Hello student, myself Dr. Neeraj Rao, Team Chemistry, CLC Sikar. देखिए मैं जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पीरियोडिक टेबल और एस ब्लॉक का जो हमारा ETS है इसका सॉल्यूशन बच्चों बता रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ एन एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल इज अप्लाइड इन द गैल्वेनिक सेल। अब यहां पर आ रहा है बच्चों व्हेन ई एक्सटर्नल ग्रेटर देन 1.5, मतलब हमारे पास एक्सटर्नल पोटेंशियल जो है ना 1.15 से ज्यादा आपने अप्लाई कर दिया बाहर। नॉर्मली जो गैल्वेनिक सेल होता है ना, जब आप ये कहते हो कि जैसे जिंक और कॉपर का बना होता है तो जिंक का ऑक्सीडेशन होता है, जिंक जिंक जैसे सॉल्यूशन में आता है और कॉपर प्लस टू कॉपर जाकर डिपॉजिट होता है। लेकिन वो कब होता है, जब ये एक्सटर्नल क्या होता है, कम होता है, यानी अंदर वाला सेल का खुद का ज्यादा होता है। लेकिन बाहर से आपने ज्यादा अप्लाई कर दिया ना, तो देखिए ये कंडीशन आपने ज्यादा अप्लाई कर दी तो अब उल्टा केस हो जाएगा, यानी अब जिंक ऑक्सीडाइज नहीं होगा, जिंक जो है वो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा इलेक्ट्रोड के ऊपर। तो देखिए बच्चों पहला जो है आ रहा है इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक और कॉपर टू जिंक। अब देखो ये वैसे ही गलत हो गया क्योंकि यहाँ भी कॉपर टू जिंक है, यहाँ भी कॉपर टू जिंक है, तो ये रॉन्ग हो गया आपका। फिर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम द जिंक टू कॉपर एंड करंट फ्लो कॉपर टू जिंक, अब ये होगा नहीं क्योंकि आपने एक्सटर्नल अप्लाई कर दिया ना, तो ये भी रॉन्ग हो गया। जिंक इज डिपॉजिटेड एट द जिंक इलेक्ट्रोड, दिस इज करेक्ट। और जिंक डिजोल्व एट एनोड, ये नहीं होगा, ये तब होता जब एक्सटर्नल लेस होता। तो बच्चों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एनसीईआरटी का, ठीक है। तो हमारा थर्ड आंसर इज करेक्ट। तो नेक्स्ट देखिए, कैलकुलेट ई सेल ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस इन द सेल। ई नोट सेल गिवन बच्चों 3.17 वोल्ट, और यहां पर आपके पास है एमजी और एमजी है Mg प्लस टू में जा रहा है, ऑक्सीडेशन में जा रहा है, और Ag प्लस जा रहा है Ag में। तो ये एक सेल बन गया बच्चों, और एक कंप्लीट सेल के लिए आपको पता है क्या होता है, E इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.591 अपॉन n log प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये जो है डेंसिटी इक्वेशन अपन अप्लाई कर देंगे, E इक्वल टू E नॉट 0.591 log प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब देखो ई नोट सेल ये गिवन आपके पास बच्चों 3.17 ये गिवन है, 0.0591 और एन की वैल्यू कितनी हो गई है 2 और लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो देखिए बच्चों ये वाली जो वैल्यू आ रही है, जैसे ये एमजी जा रहा है एमजी प्लस 2 में, तो ये प्रोडक्ट साइड में हो गया, वो रिएक्टेंट साइड में हो गया, तो 0.13 अपॉन और 0.0001 और उसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा अपने को, क्यों, क्योंकि यहाँ 2 AZ आ रहा है, तो AZ प्लस का क्या जाएगा, स्क्वायर जाएगा बच्चों। तो अब इसको सॉल्व करो 3.15 और सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा करेक्ट, 2.96 मिला लीजिए बच्चों, तो सेकंड आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है ना, बिल्कुल कैलकुलेशन कर लोगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ, यानी यहां आपको पूछा है साम्य स्थिरांक की गणना करनी है बच्चों। कॉपर दे रखा है Ag और Cu, देखिए ये कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है, Ag प्लस रिड्यूस हो रहा है और ई नोट सेल गिवन है। अब देखो इक्विलिब्रियम कंडीशन पर क्या होता है, ई सेल जो होता है ना, ई सेल इक्विलिब्रियम कंडीशन पर ई सेल जीरो होता है। इक्वेशन आपको वही लगाने, ई इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.591 अपॉन एन और लॉग के इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट, ये आपका इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट हो जाएगा। अब यहां आपके पास ई नोट सेल बच्चों क्या है, गिवन है, दिस इज गिवन 0.46 और ये जो ई सेल होता है ना, ई सेल ये क्या होता है, इक्विलिब्रियम पर जीरो मान लेंगे, पर
ये क्या मान लेंगे, जीरो, जीरो मान के इसको सॉल्व कर लेंगे। अब आपके पास कंसंट्रेशन, ठीक है, अब अपने को तो डायरेक्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा है, तो ये सब वैल्यू दे रखी है अपने को, तो वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर, और एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टू हो जाएगी। तो बच्चों देखो यहाँ 0.46 अपॉन 0.591 अपॉन 2 और लॉग के इक्विलिब्रियम, अब आप इसको मल्टीप्लाई करिए तो कितना आएगा, देखिए ये आ गया आपका, मल्टीप्लाई करने से बच्चों आपके पास आएगा 15.6 आ जाएगा, के इक्विलिब्रियम जो है ना, लॉग के इक्विलिब्रियम के इक्वल आ जाएगा 15.6। अब इसमें थोड़ा सा आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर आपको इसका एंटी लॉग लेना पड़ेगा। अब आप ये सोचे एंटी लॉग का मतलब 0.6, देख लो वैल्यू किसकी आ रही है, लगभग 4 की वैल्यू आएगी और ये पावर में चला जाएगा, तो ये वैल्यू का देखो फर्स्ट आंसर हो जाएगा अप्रोक्सीमेट 3.92 × 10^15 के इक्विलिब्रियम। एंटी लॉग लेके बच्चों सोल्व करना पड़ेगा अपने को, तो बिल्कुल इजी है, कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। फोर्थ में आ जाइए, ई नोट सेल फॉर डेनियल सेल इज 1.1, डेनियल सेल का दे दिया, कैलकुलेट डेल्टा जी, डेनियल सेल का ई नोट गिवन आपके पास, तो देखिए इक्वेशन पूछा है, डेल्टा जी पूछ रहा है आपको, डेल्टा जी नोट, देखो बच्चों डेल्टा जी नोट जो होता है ना वो होता है माइनस एन एफ ई नोट सेल। देखिए बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, एन की वैल्यू काउंट कर लो कितनी होगी, टू, टू ले गया, एफ के लिख दो 96,500 और ये हो गया 1.1, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करिए और इसमें आंसर देखिए किलो जूल और दे रखा है, तो आप 10^-3 तो ये किलो जूल पर मोल में आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है ना, किलो जूल पर मोल में, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका 22, सेकेंड आंसर आ जाएगा बच्चों, सेकेंड इज करेक्ट, मिला लीजिए सब लोग, सेकेंड आंसर इज करेक्ट, डेल्टा जी और ई नोट में सब रिलेशन है, ये रिलेशन आपको याद रखना है। नेक्स्ट चले, फिफ्थ नंबर, मैक्सिमम कंडक्टेंस फॉर विच इक्विमोलर एक्वस सॉल्यूशन एट 298.15 केल्विन, ये पूछ रहा है कि मैक्सिमम कंडक्टेंस जो है बच्चों किसकी आएगी। देखो प्योर वाटर, HCl, KCl, NaCl, अब देखो HCl में आपके पास क्या है, H प्लस है, और H प्लस आयन की कंडक्टेंस जो होती है वो मैक्सिमम आती है, ठीक है ना, इसकी कंडक्टेंस क्या होती है, मैक्सिमम कंडक्टेंस होती है H प्लस की कंडक्टेंस। एबनॉर्मली आपको पता है कि H प्लस की कंडक्टेंस सबसे ज्यादा होती है, तो बड़ा फेमस क्वेश्चन है, तो आंसर हमारा बच्चों कौन सा हो जाएगा, सेकेंड आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट, मैक्सिमम कंडक्टेंस फॉर विच मेटल, अब वापिस वही क्वेश्चन, कंडक्टेंस मेटल के रेफरेंस से पूछ रहा है, तो बच्चों मेटल में कौन सी मेटल है जिसका कंडक्टेंस सबसे ज्यादा होता है, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट तो क्या है, नॉन मेटल आ गया, कार्बन है, तो सिल्वर, गोल्ड और कॉपर में सबसे ज्यादा किसकी कंडक्टेंस हो जाएगी, आपकी सिल्वर की कंडक्टेंस हो जाएगी। देखिए सबसे ज्यादा तो होगी सिल्वर की, उसके बाद कॉपर की होती है, फिर गोल्ड की होती है, तो देखिए फर्स्ट, फिर आएगा थर्ड और फिर आएगा सेकंड, तो कंडक्टेंस जो है मैक्सिमम किसकी होगी बच्चों, एजी की होगी। बिल्कुल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल है और आप इसको कवर कर सकते हो, बड़ा इजी क्वेश्चन भी है, तो फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट, देखिए अभी ग्राफ का क्वेश्चन आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट्स विल ऑब्टेन फॉर द कंडक्टोमेट्रिक टाइटेशन फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड अगेंस्ट द वीक बेस।
देखिए यहाँ आपने क्या किया बच्चों कि यहाँ आप एक एल्कलाइन सॉल्यूशन ऐड कर रहे हो, ऊपर से बेसिक सॉल्यूशन ऐड कर रहे हो, तो स्ट्रॉन्ग एसिड में आपके पास क्या होता है, एच प्लस होता है पहले, एच प्लस। अब धीरे धीरे एच प्लस क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, जैसे जैसे आप बेस ऐड करोगे ना ऊपर से, ओ एच माइनस एडेड करोगे, एडेड, तो ये जो एच प्लस कंसेंट्रेशन डिक्रीज होगा, इसका मतलब धीरे धीरे डिक्रीज होना चालू हो जाएगा। फिर आगे करा है, वीक बेस दे दिया, अब आप बेस दे रहे हो, फिर बेस मिला रहे हो, फिर कॉन्स्टेंट हो जाएगा, आपको इफेक्ट नहीं आएगा। तो पहले तो क्या होगा, डिक्रीज और फिर इंक्रीज होगा। तो देखिए इसमें थर्ड आंसर इज करेक्ट हो गया बच्चों। तो थर्ड आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट चले, देखिए बच्चों एक ग्राफ दिया है आपको और वो पूछ रहा है मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस रूट सी ग्राफ, ठीक है ना, कंसंट्रेशन मोल पर लीटर के अंदर, और उसमें ग्राफ खींचा गया है। तो आपको पता है इसमें सबसे ज्यादा कंडक्टेंस किसकी होगी, एच प्लस की। एबनॉर्मली सबसे ज्यादा कंडक्टेंस जो है एच प्लस की होगी, बिल्कुल डेटा बेस भी होता है, और वैसे भी आगे तो कि वाटर में एच प्लस और वॉच नेगेटिव जो होते हैं ना उनकी कंडक्टेंस सबसे ज्यादा होती है, इजीली ट्रांसपोर्टेशन होता है, एबनॉर्मली हाई होता है, जहां एच प्लस दिख जाए आपको तो सबसे ज्यादा कंडक्टेंस बता दीजिए। तो एच प्लस सबसे ज्यादा, इसका मतलब फर्स्ट एच प्लस का ही ग्राफ आएगा, और एच प्लस का मतलब देखो ये आंसर देखो सेकेंड ही पता चल रहा है डायरेक्ट, और फिर केस पोटेशियम और एसीटेट टाइम में, यहाँ पर एसीटेट का हाइड्रेशन ज्यादा हो जाएगा तो इसकी कंडक्टेंस कम हो जाएगी, तो हमारे पास आंसर कौन सा हो गया, सेकेंड इज करेक्ट। देखो फर्स्ट तो ये ग्राफ में बता देगा HCl को, सेकंड ये बता देगा, और वैसे आप ये देख लो ये वीक का है भाई, ये जैसे मैं ये कहूँ कि HCl और KCl तो क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कर्व तो इस तरह से आएगा, ठीक है, और ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट का कर्व आपके पास इस तरह से आ रहा है, यानी एक हाइपरबोला आ रहा है और एक स्ट्रेट लाइन कर्व आ रहा है, नेगेटिव इंटरसेप्ट विद नेगेटिव इंटरसेप्ट, ये स्लोप आ रहा है आपके पास, नेगेटिव स्लोप आ रहा है, ठीक है, और ये पॉजिटिव इंटरसेप्ट आ रहा है। तो इस तरह से एंड डिवाइ हकल इक्वेशन से आप निकाल सकते हो म्यू सी इक्वल टू म्यू सी इन्फिनिटिव माइनस ए रूट सी, जो आपको डिवाइ हकल के अकॉर्डिंग भी बता सकते हो। तो सेकंड आंसर इज करेक्ट। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, मोलर कंडक्टेंस ऑफ केसीएल एट कॉन्स्टेंट सी एट इन्फिनिटिव डायल्यूशन आर म्यू सी म्यू इन्फिनिटी रेस्पेक्टिवली। अब वो रिलेशन पूछा, अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने कि म्यू सी इक्वल टू म्यू इन्फिनिटी माइनस ए रूट सी, ये है सी कंसंट्रेशन पर और ये है इन्फिनिटी डायलेशन पर, या जीरो कंसंट्रेशन भी बोल सकते हो, इन्फिनिटी डायलेशन बोल दो या फिर जीरो कंसंट्रेशन भी बोल सकते हो। ए आपके पास क्या हो जाएगा, डिवाई हकल कॉन्स्टेंट हो जाएगा, सी आपकी कंसंट्रेशन हो जाएगी, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपका फोर्थ आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट बच्चों देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग रिडॉक्स रिएक्शन अकरिंग इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन हो रही है, उस रिएक्शन के अकॉर्डिंग BrO3 नेगेटिव ये जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर देखो बच्चों यहां कितना आ रहा है आपका +5 और इधर चेक कर लो +1। अब देखो यहां कितने का चेंज आ गया, आपके पास 4 का चेंज आ गया है। अब यहां आप ही देखिए ये +1 और ये 0 है, तो यहां कितने का चेंजेस आ गए बच्चों, यहां आपके पास चेंजेस आ रहा है 2 का, जैसे 0 से, वैसे ब्रोमीन 1 है और 1 से यहां पर 2 के अकॉर्डिंग कंसीडर करो 2 आ जाएगा। अब आपको ओवरऑल ये पूछ रहा है, तो यहां डेल्टा जी से, ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं ना उनको डेल्टा जी से सोल्व करते हैं, कि डेल्टा जी जो होती है एक आपके पास एडिटिव प्रॉपर्टी होती है बच्चों, एडिटिव प्रॉपर्टी डेल्टा जी, तो आप यहां डेल्टा जी का कांसेप्ट लगाइए, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी वन प्लस डेल्टा जी टू, और डेल्टा जी में रिलेशन जानते हो आप, NFE, डेल्टा जी होता है बच्चों माइनस NFE सेल होता है, ये रिलेशन डेल्टा जी के साथ में। तो आप सीधी देखो वैल्यू, यहाँ कितना चेंज आ रहा है आपके पास, यहाँ चेंज आ गया आपके पास 4 का, तो 1.5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने को 4 से, फिर यहाँ अपने पास चेंजेस आ रहा है 2.1 के अकॉर्डिंग, देखिए कितना चेंजेस आ रहा है, आप इसको थोड़ा सा सोल्व कर लीजिए, 4 का चेंज है और एक में
यहाँ पर एक का चेंज आ गया, एक में ओवरऑल जो रिएक्शन पूछी है उसके अकॉर्डिंग कितना चेंज आ रहा है, यहाँ देखिए ये 5 का चेंजेस आ रहा है, ऐसे करके आप निकालोगे। देखो मैं दोबारा लिख देता हूँ, यहाँ इसके अकॉर्डिंग यहाँ लिख देंगे माइनस, ये चेंज आ गया बच्चों प्लस 5 से, 5 का चेंज आ गया एफ ई, यहाँ ले लीजिए आप, फिर नोट करिए डेल्टा जी माइनस एन की वैल्यू रख दीजिए, यहाँ बच्चों अपन रख देंगे 4 के अकॉर्डिंग 4 इंटू 1.4 और ये f आपका वैसे रह जाएगा, फिर ये प्लस है, फिर माइनस आपके पास फिर वापस आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 का चेंज 1 इंटू 2.4। ठीक है, अब आप इसको सोल्व करिए, देखो f तो कैंसिल हो जाएगा बच्चों सब में, f तो सब में कॉमन है, कैंसिल हो गया, अब डायरेक्ट आपके पास 5 का डिवाइड करोगे तो 1.6 आ गया, ये आ जाएगा 1.6 वोल्ट, तो ये देखिए आपका आंसर हो गया 4th। ठीक है ना, मतलब जैसे आप उधर डेल्टा जी जो होता है ना वो एक एडिटिव प्रॉपर्टी होती है, जबकि सेल का ईएमएफ जो होता है वो नॉन एडिटिव प्रॉपर्टी होती है। डेल्टा जी अपन जोड़ सकते हैं कोई भी रिएक्शन में, जैसे इस रिएक्शन का डेल्टा जी जोड़ना है अपने को, तो ये दो रिएक्शन होगी, इन दोनों को जोड़ करके ये फाइनल रिएक्शन का डेल्टा जी आ जाएगा। और वैलेंसी फैक्टर जरूर देख लेना, ठीक है, वैलेंसी फैक्टर में चेंज देखना अपने को। अब यहाँ बी आर टू के अकॉर्डिंग 2 का था, लेकिन अपने को इसके अकॉर्डिंग जाना तो 1 का चेंज है, और ओवरऑल अपने को इसके अकॉर्डिंग जाना है, दो स्टेप हमारे पास आ गए, दोनों के अकॉर्डिंग अपन ऐड कर लेंगे। तो नेक्स्ट चलें बच्चों, विच स्टेटमेंट नॉट ट्रू अबाउट कॉन्स्टेंट ए इन द फॉलोइंग इक्वेशन। देखिए ये डिबाई हकल इक्वेशन है, डिबाई हकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग बिल्कुल एनसीईआरटी का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है स्टेटमेंट का। देखो वैल्यू ऑफ ए कॉन्स्टेंट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, सही है, तो टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करेगा, जैसे आपके पास मान लो NaCl टाइप का है या CaCl2 टाइप का है, जो टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर भी डिपेंड करता है ये। तो पहला आपका ठीक आ रहा है, नॉट ट्रू पूछ रहा है, द वैल्यू ऑफ द कॉन्स्टेंट ए फॉर NaCl CaCl2 Mg4, इसमें 1-1 टाइप का हो गया, ये 1-2 टाइप का, सॉरी 2-1 टाइप का हो गया, और ये दोनों 2-2 टाइप के हो गए हैं, और ये इफ वी प्लॉट लैम्डा एम अगेंस्ट सी 1/2 ग्राफ ऑब्टेन ए स्लोप इक्वल टू ए, सही है, तो देखो ये स्लोप आ जाएगा y इक्वल टू सी माइनस एम एक्स, तो बच्चों ये हमारे पास ए क्या है, स्लोप के बराबर है, ये भी सही है, और ग्राफ आपको पता ही है ना, ग्राफ इस तरह ग्राफ आता है, यहाँ पर आपके पास ये हो गया लैम्डा एम, ये हो जाएगा आपका रूट सी कर्व। अब आता है ऑल इलेक्ट्रोलाइट ऑफ पर्टिकुलर टाइप हैव द डिफरेंट वैल्यू ऑफ फॉर ए, ये गलत हो गया बच्चों, डिफरेंट वैल्यू नहीं आएगी, ऑल इलेक्ट्रोलाइट ऑफ पर्टिकुलर टाइप हैव द डिफरेंट वैल्यू नहीं आएगी, सेम वैल्यू रहेगी, ठीक है ना, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सेम करोगे तो उसमें देखे आएगा ना, वो चेंज नहीं होगा, तो ये इनकरेक्ट हो गया आपका। अब ये वैसे दिखने में यहाँ पर आपको लगेगा एक जैसा सा है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा यहाँ से थोड़ी सी आपको स्लाइट मिस्टेक जो पकड़नी है उसके अकॉर्डिंग सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट चलते पूछो, लैम्डा एम फॉर द NaCl HCl NaAc सेंटीमीटर मोल इनवर्स रेस्पेक्टिवली कैलकुलेट लैम्डा नॉट फॉर द HAC। देखिए ये आपका कोलराउस लो का एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ गया है, आपको क्या चाहिए H चाहिए, तो H देखो बच्चों किस में आ रहा है, हमारे पास HCl में आ रहा है, जैसे मेरे को निकालना है HAC, तो मेरे पास यहाँ पर ये आ गया HCl, और अब मेरे को चाहिए AC, तो ये मेरे पास आ जाएगा NaC वाला। अब मेरे पास NaCl फालतू हो गया बच्चों इसमें, तो पहला जो मेरे पास आ रहा है NaCl, इसको माइनस कर लेंगे इसमें से, बस ये जो वैल्यू आपको दे रखी है ये पुट कर लीजिए, तो HCl की वैल्यू बच्चों क्या है 400, NaCl की दे दी ये, तो ये हो गया 425.9 प्लस, और फिर है 91.0 माइनस कर लेंगे अपन, तो ये कितना है 126.4। अब ये माइनस करिए, घटा के देख लीजिए कितना आ रहा है, वो सोल्व करोगे जितना आपके अकॉर्डिंग 490, तो ये आ जाएगा आपका
390 पॉइंट समथिंग आ जाएगा बच्चों, सेकेंड इज करेक्ट। ओके नेक्स्ट चलते हैं। थर्टी नंबर भाई आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट, ये भी बच्चों एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है कोलराउस लो का। के इक्वल टू क्या निकालते हो, सी अल्फा स्क्वायर वन माइनस अल्फा, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, वीक के लिए होता है, और वीक के लिए अल्फा क्या होता है बच्चों, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट। देखिए बस ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर अल्फा की जगह, उसके अकॉर्डिंग मैच कर लीजिए आप। तो के देखो लैम्डा एम नॉट, तो ये आ जाएगा आपका कौन सा, सेकंड आंसर इज करेक्ट। AgCl, Cl, AgCl, Ag, the cell working is if working cell का बच्चों E cell positive होता है, delta G negative होता है, तो ये चेक करना है। और ये concentration cell आ रहा है आपके पास, तो देखिए इसमें Ag से जा रहा है, ये Ag आ रहा है, और मतलब आपने को लेना है ये anode हो गया, एक anode हो गया बच्चों, एक हो गया cathode, एनोड कैथोड की साइड में लेना अपने को। अब देखिए इक्वेशन हमारे पास इंटेंसिटी इक्वेशन का है, E इक्वल टू E नॉट माइनस 0.591 अपॉन, और ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, और लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, बस ये कंसंट्रेशन अपने को यूज करनी है। तो देखिए ये आपके पास एक आ रही है C1 आ रही है, एक आ रही है C2। अब इसमें जो ये सेल होते हैं ना, इनकी जो कंसंट्रेशन है वो क्लोराइड आयन के ऊपर डिपेंड कर रही है सारी, यानी मैं कहूँ सेल का ईएमएफ भी जो है ना वो क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। तो आप कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग चले जाइए। देखिए ये एनोड आ रहा है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, तो ऑक्सीडेशन का मतलब है कि Cl- माइनस जाएगा आपका Cl2 में, इस तरह से, ये इस तरह से ऑक्सीडेशन इक्वेशन आ रही है। इसका मतलब देखो ये C2 ये रिएक्टेंट साइड में आएगा, और ये C1 आएगा प्रोडक्ट साइड में। तो बच्चों यहाँ C1 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा C2। अब सेल का आपको, अच्छा दूसरे आपको पता है कि इस सेल का जो E नोट सेल होता है ना वो क्या होता है, जीरो होता है, ये E नोट सेल होता है इसका जीरो। तो यहाँ पर आपके पास क्या जाएगा, वर्किंग के लिए ऊपर लेके जाएंगे पर ये प्लस में आ जाएगा, तो C2 ग्रेटर देन C1 हो जाएगा, तो थर्ड आंसर इज करेक्ट। A solution of copper sulfate is electrolyzed for 10 minutes. Current of 1.5 ampere. What is the mass of copper deposited at the cathode? Cathode के ऊपर कितना mass deposit होगा? तो देखिए पहले ये जो current दे रखा है आपको, I equal to देखिए बच्चों इसमें हमारे पास I दे दिया 1.5, T दे दिया 10 मिनट जो इसको 60 से मल्टीप्लाई करिए, ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा आपका I इंटू टी। अब आप Q निकाल लोगे यहाँ से। अब जो M जो आता है डिपॉजिट कैसे होता है, M मास जो डिपॉजिट होता है, E अपॉन 96500 Q होता है, क्योंकि जगह आई इंटू टी रख देंगे 1.5 × 10 × 60, और ई हमारे पास क्या है कॉपर सल्फेट है ना, तो कॉपर सल्फेट के लिए 63 पॉइंट ये वैल्यू रख देंगे 63.5 upon 2 96500 1.5 × 10 × 60, ये मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए कितना आंसर आएगा, ये आएगा 0.293। ठीक है बच्चों ये आ जाएगा 0.293 ग्राम में, ये ग्राम में आ जाएगा डायरेक्ट आपके पास।
एन की वैल्यू क्लियर होगी ना, एन की वैल्यू कितनी है, 2 है इसमें। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। पहले आप क्यू निकालो, चार्ज आ जाएगा, फिर एम निकाल लो, और ई आपके पास क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट होता है, तो मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर इसका 2 हो जाएगा आपका। इक्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 123 ग्राम ऑफ नाइट्रो बेंजीन टू एनिलीन अराइजिंग 50% करंट एफिशिएंसी इज। अब ये 50% करंट एफिशिएंसी दे दी, ठीक है। तो अब एक बार देखो, नाइट्रो बेंजीन होता है ना बच्चों, नाइट्रो बेंजीन होता है C6H5NO2, ये कन्वर्ट हो रहा है C6H5NH2, एनिलीन में कन्वर्ट हो रहा है, एनिलीन में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ आप वैलेंसी फैक्टर में चेंज देखना है। अब यहाँ देखिए, ये नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है इधर 2 ऑक्सीजन से, इधर कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया, +3 हो गया है। अब इधर यहाँ देखिए, ये नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, इसकी इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा है -2, और कार्बन से भी ज़्यादा है तो -3 आ गया। तो बच्चों वैलेंसी फैक्टर में कितना चेंज आ जाएगा, 6 का। एक तो वैलेंसी फैक्टर निकालना आपको आना चाहिए। फिर अब आपके पास क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू रिड्यूस, ठीक है। अब आपको चार्ज ही पूछ रहा है सीधा डायरेक्ट, कितना कूलाम में चार्ज आएगा, तो वैलेंसी फैक्टर में कितना आ गया आपका, 6 आ गया। तो आप सीधा देखिए, m इक्वल टू निकाल सकते हो e अपॉन 96500, और q निकालना है जैसे आपको, और एफिशिएंसी 50% है ना, तो 50/100 कर लो। अब आपके पास यहां जो है, अब इसका मोलर मास निकालना ना बच्चों, 123 ग्राम ये डिपॉजिट हो गया इधर, 123 हो गया, इसका मोलर मास भी क्या, नाइट्रोजन का 123 होता है, और ये डिवाइड आ जाएगा आपका, वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा, 6, और Q फाइंड आउट करना आपको, और ये नीचे 2 आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 1158। तो फर्स्ट आंसर इज करेक्ट, देखिए मिला लीजिए। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया सबको, नेक्स्ट देखते हैं। व्हेन 2 फेराडे करंट इज पास थ्रू 2 लीटर 2m कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, लेफ्ट कंसंट्रेशन आफ्टर द इलेक्ट्रोलाइसिस विल बी। देखिए पहले आपके पास लेफ्ट कंसंट्रेशन पूछ रहा है, तो लेफ्ट कंसंट्रेशन के लिए देखिए, लेफ्ट कंसंट्रेशन यहां कॉपर प्लस 2 की इनिशियल देखो कितनी है, इनिशियल माइनस कॉपर प्लस 2 की डिस्चार्ज कंसंट्रेशन कितनी है, दोनों चीज देखनी है। तो इनिशियली आपके पास है 2m, ये तो 2m हो गया। अब डिस्चार्ज में देखना, निकालना अपने को, तो यहाँ 2 फेराडे करंट आ रहा बच्चों, और 2 लीटर वॉल्यूम आ गया आपके पास। तो देखिए 2 फेराडे, 1 फेराडे में आपके पास 96500 कूलाम होता है, ठीक है। अब कंसंट्रेशन जो आ रही है, अब 1 फेराडे का मतलब 1 इक्विवेलेंट जमा होगा, 2 फेराडे में 2 इक्विवेलेंट जमा होने वाले हैं आपके पास, तो 2 इक्विवेलेंट यहाँ डिपॉजिट हो रहे हैं, और वॉल्यूम आपके पास कितना दे रखा है, वॉल्यूम दे दिया 2 लीटर, और फेराडे करंट कितना जमा हो रहा है, करंट हो रहा है आपका 2 फेराडे करंट जमा हो रहा है। तो ये आपके पास देखिए, वैलेंसी फैक्टर पर निकालें, ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर। तो वैलेंसी फैक्टर बच्चों कितना हो गया इसमें, 2, मैं मोल निकाल रहा हूँ पहले, वैलेंसी फैक्टर हो गया 2, और ग्राम इक्विवेलेंट भी मेरे पास कितने हो जाएंगे, 2, तो मोल मेरे पास बच्चों कितना आ गया, 1 आ गया, पहले मोल आ गया। अब कंसंट्रेशन निकालूंगा मैं, तो कंसंट्रेशन हो जाएगी मेरे पास मोल अपॉन
वॉल्यूम कितना है 2 लीटर, तो ये 0.5 आ गया, तो ये मेरे पास हो गया 1/2, तो ये 1.5 आ गया बच्चों, 1.5 का मतलब फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन 2 फैराडे करंट इज पास थ्रू एक्वस एल्युमिनियम सल्फेट सॉल्यूशन टोटल वॉल्यूम गेसेस एट एस टी पी डिस्चार्ज एन एनोड। अब ये देखिए एनोड पर आपके पास क्या एल्युमिनियम डिपॉजिट हो पाएगा, देखिए एनोड के ऊपर, एनोड और कैथोड दोनों के ऊपर ही आपके पास न तो एल्युमिनियम डिपॉजिट हो पाएगा न सल्फेट, यानी कहने का दोनों प्रोडक्ट आपके पास किसके बनेंगे, वाटर के। तो यहां 2 फैराडे करंट पास कर रहे हैं अपन, तो 2 फैराडे करंट का मतलब है कि आपको मोल और वैलेंसी फैक्टर दोनों कंसीडर करना पड़ेगा। तो एनोड पर आपको क्या मिलने वाला है, ऑक्सीजन मिलेगी O2, ठीक है, और कैथोड पर बच्चों क्या मिलेगा आपको, हाइड्रोजन गैस मिलेगी H2 गैस। सबसे पहले तो प्रोडक्ट डिसाइड करें आप कि भी एनोड पर और कैथोड पर क्या क्या मिलने वाला आपको, एक पर हाइड्रोजन मिलेगी एक पर ऑक्सीजन मिलेगा। अब आप क्या करो, सबसे पहले इक्विवेलेंट निकाल लो, इक्विवेलेंट O2 का निकाल लीजिए, मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर, H2 जाएगा आपका O2 और प्लस H+ में, तो यहां अपन वैलेंसी फैक्टर के अकॉर्डिंग देखें तो ये कितना आएगा, 4 का चेंज आ गया वैलेंस फैक्टर। यहाँ बच्चों देखें हमारे पास 2 मोल के अकॉर्डिंग देखेंगे ना, यहाँ 2 मोल के अकॉर्डिंग ले लेते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा इधर, इसको मैं हटा दूँ, ये हो जाएगा आपका 4H+, तो ये हमारे पास -2 और ये 0, 2 एटम के अकॉर्डिंग 4 का चेंज आ गया, तो ये हो गया मोल इनटू वैलेंस फैक्टर हो गया 4, इक्विवेलेंट बच्चों 2 हो जाएगा, तो मोल कितना हो गया इसका, 2 मोल हो गया। अब 1 मोल में कितनी गैस डिपॉजिट होगी, 22.4 और मोल आपके पास हो गया, ठीक है, एसटीपी पर मोल मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया, मोल मैंने गड़बड़ कर दिया, बच्चों मोल जो आया O2 का वो आया 1/2, मोल 1/2 आया, ठीक है, 1/2 आ गया, तो अब आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा एसटीपी पर, 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है बोलो, 22.4 लीटर होता है, तो आपके पास आ जाएगा आधा मोल का हो जाएगा 11.2 लीटर, ये वॉल्यूम आ गया O2 का। अब आप हाइड्रोजन का ले लीजिए, ऐसे सेम हाइड्रोजन का आप मोल निकालोगे तो EH2 मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर, अब यहां पर वैलेंसी देखो इक्विवेलेंट तो हो गया आपका 2, मोल आपको फाइंड आउट करना है और वैलेंसी फैक्टर अब आपके पास यहां कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन का वैलेंस फैक्टर 2, तो मोल बच्चों कितना हो गया, 1 हो गया है, और 1 के अकॉर्डिंग वॉल्यूम आपके पास आ जाएगा H2 का 22.4 लीटर, तो दोनों को ऐड कर लीजिए, 11.2 प्लस 22.4 तो 33.6 लीटर हो गया बच्चों, सेकंड आंसर इज करेक्ट, ठीक है। किलोग्राम जो है एल्यूमिनियम आपको मिल रहा है बॉक्साइट ओर से हाल प्रोसेस में, हाउ मच मास ऑफ ग्रेफाइट एनोड इज कंज्यूम ड्यूरिंग दिस, तो इसमें क्या करना है कि आपके पास एक कॉन्सेप्ट है ग्राम इक्विवेलेंट का और मास का कॉन्सेप्ट है, वेट का कॉन्सेप्ट है, तो आप वेट लगा लो डब्ल्यू सी कार्बन का, डब्ल्यू एल्यूमिनियम का,
अब आप इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट लगा दो, ई सी अपॉन ई ए एल। बच्चों कार्बन जो है ना वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, सी ओ टू में कन्वर्ट हो रहा है। कार्बन जो है ना आपके पास किस में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि देखो ये सी ओ टू के फॉर्म में निकलता जाता है ग्रेफाइट, तो वैलेंसी फैक्टर में कितना चेंज आ गया बच्चों, चार का चेंज आ गया। और एलुमिना जो होता है ए एल टू ओ थ्री होता है, ये जा रहा है ए एल में, यहाँ कितने का चेंज आ रहा है, तीन का चेंज आ रहा है, यहाँ वैलेंसी फैक्टर हो गया बच्चों थ्री का। बस ये पुट कर लेंगे, ये आपके पास इक्विवेलेंट है, तो इसका एटॉमिक मास आपको पता है कार्बन का 12 अपॉन वैलेंसी फैक्टर हो गया 4, और इधर हो गया 27 अपॉन वैलेंसी फैक्टर 3, और 270 किलोग्राम एल्यूमिनियम यहाँ बच्चों 270 है, तो आपको ग्रेफाइट का मास पूछा है, तो निकाल लेंगे डब्लू सी, ये आ जाएगा आपका 90 केजी। तो ये सेकंड आंसर इज करेक्ट, देख लीजिए एक बार चेक कर लीजिए बच्चों, थोड़ा सा सोल्व करना है वैसे, 12 अपॉन 4, 27 अपॉन 3, वैसे ये मेटलर्जी का भी क्वेश्चन हो सकता है, और साथ में आप इसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी मान सकते हो। नेक्स्ट चले, रेजिस्टेंस ऑफ 0.1 एम केसीएल सॉल्यूशन इन द कंडक्शन सेल 300 कंडक्टिविटी द वैल्यू ऑफ सेल कांस्टेंट। मैं तो सेल कांस्टेंट पूछा है, देखिए कंडक्टिविटी और सेल कांस्टेंट में क्या रिलेशन, सेल कांस्टेंट होता है एक्स लिखते हैं आप, देखिए सेल कांस्टेंट जो होता है ना हमारे पास, मैं दोबारा से एक बार बात करूं, जैसे हमारे पास दो इलेक्ट्रोड है, तो दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की डिस्टेंस कितना है और एरिया कितना है, मतलब हमारे पास एल और ए का जो रेशो होता है वो सेल कांस्टेंट होता है। और वैसे कंडक्टिविटी में रेशो तो आप जानते हो, के इक्वल टू क्या होता है बच्चों, सी इंटू एक्स होता है। सी आपके पास क्या है, कंडक्टिविटी, एक कंडक्टेंस बोल दो, और के स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। देखो रेजिस्टेंस आपके पास 0.1 एम केसीएल का रेजिस्टेंस आर गिवन आपके पास कितना आ गया, 300 ओम, और कंडक्टिविटी है सी जो है आपके पास है बच्चों 0.013, ये सी आ गया आपके पास, और ये आपको x निकालना है, सेल कांस्टेंट x जो है वो l अपॉन a का जो रेशियो होता है उसको सेल कांस्टेंट कहते हैं, ये आपको फाइंड आउट करना है, ये सेल कांस्टेंट है, तो ये निकाल लीजिए, x निकालना है तो k अपॉन c हो जाएगा हमारे पास। अब देखिए c की वैल्यू गिवन है आपके पास, और k जो है c आपके पास है 0.013, ये गिवन वैल्यू आ गई, और रेजिस्टेंस आपके पास कितना है, 300 ओम है। हाँ तो बच्चों देखिए इसमें अब अपन क्या करेंगे, ये के की वैल्यू तो अपने पास होगी कितनी, 0.013 ये रख दी मैंने, और सी आपके पास क्या होता है, 1/r होता है, तो ये रख दीजिए आपके पास कितना हो गया, ये 300 हो गया, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 13 × 3 = 40, तो ये पहला आंसर हो गया मैंने, ये दूसरा नहीं पहला आंसर हो गया बच्चों, सॉल्व कर लो, फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चले, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इंफिनिटी डाइल्यूशन इन वाटर एट 298 केल्विन फॉर H+ K+ एसीटेटाइन एंड OH आयंस, ये पूछ रहा है। तो इसमें देखिए आपके पास क्या है कंडक्टिविटी का, अब देखो ये वैसे डेटा बेस क्वेश्चन हो गया है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें एनसीईआरटी में आपके पास जो है कंडक्टिविटी के जो डेटा दे रखे हैं वो भी थोड़े से आपको याद रखने पड़ेंगे इसमें। तो देखिए सबसे ज़्यादा एबनॉर्मली H+ और OH नेगेटिव की हाई होती है, देखो H+ का एबनॉर्मली सबसे हाई है, फिर OH माइनस आता ही आता है, तो सबसे ज़्यादा आप देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाओगे तो ये जो आंसर आ जाएगा फिर K+ और फिर एसीटेट आएगा, तो थर्ड आंसर इज करेक्ट, सीधा याद रखना पड़ेगा आपको इसका।
नेक्स्ट इफ द हाल सेल सॉरी हाफ सेल रिएक्शन आर गिवन, मतलब अर्ध सेल अभिक्रिया आपको दे रखी है Fe plus 2, फिर 2H plus half H2, ठीक है, E not for the reaction. तो इस पूरे सेल के लिए आपको E सेल निकालना है एक तरह से. तो ये आपके पास रस्टिंग ऑफ आयरन का एग्जांपल है. ये बच्चा रस्टिंग ऑफ आयरन का एग्जांपल आपके पास, जिसमें एक एनोड बन गया, एक कैथोड बन गया, कंप्लीट सेल बन जाता है. अब कंप्लीट सेल बन गया तो आपके लिए दो वैल्यू दे रखी है, तो इनको डेल्टा जी से सोल्व करना पड़ेगा. अब आपको देखो ये पूरा कंप्लीट चाहिए, अब आपको Fe प्लस टू इस साइड पे चाहिए. देखो ऊपर वाले इक्वेशन को डेल्टा जी वन बोलो, ये डेल्टा जी वन ले लो, इसमें डेल्टा जी टू निकाल लो, ठीक है, और इसका डेल्टा जी ले लीजिए. तो डेल्टा जी निकालना है मेरे को, तो मेरे को Fe प्लस टू चाहिए राइट साइड में, तो डेल्टा जी वन माइनस डेल्टा जी टू करना पड़ेगा बच्चों. और डेल्टा जी जानते हो आप क्या होता है, माइनस एन एफ ई होता है. तो ये हमारे पास आ जाएगा वैल्यू, ये तो हो गया आपके पास 1.23, और ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपके पास, बाकी एफ ई जो है वो कैंसिल हो जाएगा आपके पास, और एक साइड में इधर आप चेंज देखो तो इलेक्ट्रॉन का जो है वो बराबर रहेगा. तो ये आप सोल्व करोगे, ये आ जाएगा 1.67 वोल्ट. फर्स्ट आंसर इज करेक्ट. रस्टिंग ऑफ आयरन जो होता है एक पूरा सेल की तरह वर्किंग करता है, और इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना आप इनको डेल्टा जी से सोल्व करोगे. ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास इस तरह से कर लोगे सोल्व, ये आ जाए आपका E1 माइनस E2 हो जाएगा. डेल्टा जी से आप हेल्प करके, और यहाँ नेक्स्ट चलते हैं. व्हेन ए लेड स्टोरेज बैटरी इज डिस्चार्ज, मतलब जब लेड स्टोरेज सेल जो होता है ना आप बैटरी काम में लेते हो, उस टाइम क्या होता है. देखो इसमें लेड पीबी और PbO2 दो चीजें होती है, लेड पीबी और एक PbO2. तो एक एनोड बना होता है, कैथोड बना होता है, ठीक है. तो इसमें लेड ऑक्साइड की ग्रिड लगी रहती है, ये एक आपके पास सेकेंडरी सेल होता है. अब इसमें क्या होता है, इसके अंदर 98% के अप्रोक्सीमेट जो है इसका सल्फ्यूरिक एसिड इसमें फिल होता है. वो जो है धीरे धीरे जैसे अपन काम में लेते हैं बैटरी, तो वो क्या होता है, डिस्चार्ज होता रहता है. तो सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है ना बच्चों, वो इसमें कंज्यूम होता रहता है. देखो SO2 इज इवॉल्व, नहीं PbSO4 इज कंज्यूम्ड. PbSO4 कंज्यूम नहीं होगा, PbSO4 तो इसमें क्या होगा, फॉर्म्ड होगा, बनेगा. लेड इज फॉर्म्ड, नहीं लेड बनेगा नहीं, लेड तो टूटता जाएगा इसमें. सल्फ्यूरिक एसिड इज कंज्यूम्ड, फोर्थ आंसर इज करेक्ट. तो बैटरी के ऊपर क्वेश्चन है थ्योरेटिकल. व्हिच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द फ्यूल सेल, फ्यूल सेल इंधन सेल जो होता है उसके लिए क्या सही नहीं है. दे आर मोर एफिशियंट, सही बात है, बहुत अच्छे सेल होते हैं, और दे आर फ्री फ्रॉम पोल्यूशन, ये प्रदूषण रहित भी होते हैं. दे रन टिल रिएक्टेंट आर एक्टिव, ये जब तक इसमें रिएक्टेंट एक्टिव होते हैं जब तक चलते रहते हैं. दे हैव लो एफिशिएंसी देन थर्मल प्लांट, ये गलत है, इनकी एफिशिएंसी बहुत हाई होती है, थर्मल प्लांट से भी बहुत ज़्यादा 70-80% इनकी एफिशिएंसी होती है. ये पोल्यूशन रहित सेल होता है, और अपोलो रिसर्च प्रोग्राम में भी इसको लेके गए थे, तो ये बहुत ही अच्छा सेल होता है. लेकिन इसमें क्या होता है, महंगे कैटलिस्ट होने के कारण इसको यूज नहीं करते. तो फोर्थ आंसर आपका सही हो जाएगा. कॉपर प्लस टू Cu, ई दे दिया बच्चों Cu, फिर ई दे दिया आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल. ऐसे क्वेश्चनों को आप डेल्टा जी से सोल्व कर सकते हो, डेल्टा जी का कॉन्सेप्ट लगा दो. अब देखो यहाँ पर आपके पास ये डेल्टा जी आ गया, अब आपको कॉपर प्लस टू इसका जैसे डेल्टा जी वन ले लो, एक का डेल्टा जी टू ले लो, और मेरे को कॉपर प्लस चाहिए इस साइड में, तो इस इक्वेशन को मेरे को चेंज करना पड़ेगा. तो मेरे को करना पड़ेगा डेल्टा G2 में से डेल्टा G1 घटाना पड़ेगा, ठीक है. अब आप जो जो भी डेल्टा जी आप जानते हैं क्या होता है, NFE सेल,
बस एन एफ ई सेल की जगह वैल्यू रख दीजिए और सॉल्व कर लीजिए। तो ये आपका आ जाएगा तो 0.52 0.52 आ जाएगा, ठीक है। मतलब आपको क्या करना है, G1 में से G2 घटाना है। ये क्या करते हैं, थोड़ा सही करो इसको, G1 में से घटाना था बच्चों, डेल्टा G1 माइनस डेल्टा G2 बस। अब ये लगा के अप्लाई कर लेना और आप सोल्व करोगे तो पहले आंसर आ जाएगा। फिर बारे में सब क्या, डेल्टा जी और सेल का ईएमएफ, इन दोनों में रिलेशन है, थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करनी है। विच मेटल इज यूज टू कोटिंग ऑन द स्टील टू प्रिवेंट द कोरोजन फॉर गैल्वेनाइजेशन। तो बड़ा फेमस क्वेश्चन, जिंक की लेयर लगा देते हैं अपन, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग को रोकने के लिए अपन जिंक की चारों तरफ कोटिंग कर देते हैं बच्चों। फोर्थ आंसर इज करेक्ट। 1 mole of electrons pass through each of solution Hg copper Au, the mole range, mole ratio पूछा है, तो आपके पास equivalent का concept आपको बताया होगा, equal to mole into valency factor, बस, equivalent तो equal रहेंगे, और 1 mole of electron pass कर रहे हैं, और आपको पूछा है mole, ये mole निकालना है, ठीक है, तो ये तो बनना हो जाएगा equal। और वैलेंसी फैक्टर देखो, पहले वाले में वैलेंसी फैक्टर AgNO3 में निकालोगे, तो मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, 1 हो गया। फिर आप निकालोगे कॉपर का, तो मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, 2। फिर आप निकालोगे Au का, ये हो जाएगा मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा बच्चों, 3। तो ये रेशियो आप निकालोगे, और इक्विवेलेंट कितना कितना है सब में, 1 mole इलेक्ट्रॉन, यहां पर मोल आपका बन आ गया, अच्छा 1 mole इलेक्ट्रॉन पास किए अपन ने, तो इक्विवेलेंट आपके पास आ जाएगा एक एक, तो मोल आ जाएगा बच्चों, देखो इसमें ये हो जाएगा 1:1:2:1:3, तो ये हो जाएगा 6:3:2। सेकेंड आंसर इज करेक्ट हमारा, ठीक है, मिला लीजिए भाई एक बार। देखिए इन क्वेश्चन थोड़ा सा फिजिकल वाले जो है आप सोल्व कर लीजिए, तो सेकेंड ही हमारा सही है। तो हाँ बच्चों, 28 नंबर क्वेश्चन देखें, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनफिनिट डाइल्यूशन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन BaCl2H2 फॉर HCl X1, X2 and X3 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अब अपने को क्या बेरियम सल्फेट का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है, कोलराउस नियम का एक एप्लीकेशन है, तो इसमें डायरेक्ट देखो बेरियम चाहिए आपको, बेरियम कौन से मिलेगा आपको, पहले भी मिल जाएगा इसमें, इसका मतलब आपके पास यहाँ X1 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में आपको SO4 चाहिए, SO4 किसमें मिलेगा बच्चों, दूसरे में मिलेगा, तो उसके आपको X2 दे रखिए। अब आपके पास फालतू कौन कौन से आयन हो गए, एक तो क्लोरीन हो गया और एक HCl फालतू हो गया ना, तो आप क्या करो इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, तो ये -X3 हो जाएगा, ठीक है। और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस देखिए यहाँ पर, इसलिए अपने को मोल का कोई मोल नहीं लेना है, ठीक है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस डायरेक्ट अपने को इक्विवेलेंट क्या करने है, 2 के ऐड करने और 1 के माइनस करने है, तो ये आपके पास लेमडा हो जाएगा BaSO4 का, तो फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए बच्चों, Fe+2 Fe इज X1, मतलब इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल आपका इसका X1 दे दिया और 3 Fe में जा रहा है X2 दे दिया, और पूछ रहा है 3 2 मतलब Fe+3 से एक इलेक्ट्रॉन लेके Fe+2 में जा रहा है, तो इसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल आपको पूछ रहा है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E0 आपको फाइंड आउट करना है। तो बच्चों देखिए, आपको चाहिए Fe+3 चाहिए, ठीक है। अब Fe+3 आपके पास आ रहा है सेकेंड इक्वेशन में, जैसे इसका डेल्टा G1 ले लो आप, एक का डेल्टा G2 ले लो,
और इसका डेल्टा जी ले लो, तो रिलेशन देखो डेल्टा जी। अब यहाँ आपके पास एफ ई प्लस थ्री इसी साइड में ही है, राइट साइड में, राइट साइड में, तो डेल्टा जी टू रख लो बच्चों, और एफ ई प्लस टू आपके लेफ्ट साइड में आ रहा है, तो डेल्टा जी वन आप क्या कर लोगे, लेफ्ट साइड में कर लोगे। बस अब आप डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई लगा दीजिए, डेल्टा जी होता है माइनस एन एफ ई नॉट, अब ये हो जाएगा माइनस एन एफ जी टू है ना, तो आपका ये हो जाएगा एक्स टू, और एन की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी, थ्री, यहाँ एन की वैल्यू पुट कर लेना थ्री, और ये माइनस, और ये हो जाएगा माइनस, फिर आपके पास एन की वैल्यू होगी टू एफ इंटू एक्स वन। अब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा थ्री एक्स टू माइनस टू एक्स वन, फर्स्ट इज करेक्ट, डेल्टा जी का कॉन्सेप्ट है। डेल्टा जी नोट एंड द वैल्यू ऑफ के इक्विलिब्रियम फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल फॉर ई नोट सेल, देखिए ई नोट सेल पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब सेल वर्किंग में, वर्किंग सेल का ई नोट सेल क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और जब ई नोट सेल पॉजिटिव होता है तो प्रोसेस क्या होता है, स्पॉन्टेनियस होता है, स्पॉन्टेनियस का डेल्टा जी भी नेगेटिव होता है, तो बच्चों डेल्टा जी नोट नेगेटिव और इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट, फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए यूनिट पूछी मोलर कंडक्टेंस की, तो मोलर कंडक्टेंस की यूनिट आप म्यू इक्वल टू के इंटू 1000 अपॉन सी कंसंट्रेशन मोलिटी में लेते हैं। अब के आपके पास स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, तो के के की यूनिट आप जानते हैं, ठीक है, ओम इनवर्स और सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये मोल इनवर्स में आ जाएगा, फर्स्ट फर्स्ट इज करेक्ट, ओम इनवर्स सेंटीमीटर मोल इनवर्स। थर्टी टू विच ऑफ फॉलोइंग डिक्रीजेज ऑन डायल्यूशन, मतलब कौन सा जो है डायल्यूशन से घटता है, ये पूछा है। तो बच्चों देखो एक ही कंडक्टेंस है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो डायल्यूशन से घटती है, क्योंकि स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो होती है ना वो यूनिट वॉल्यूम में डिफाइन होती है, यूनिट वॉल्यूम में जो कंडक्टेंस होती है उसको अपन बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अब पर यूनिट जब डायल्यूशन करते हैं ना तो पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, इसलिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस तो घटती है, बाकी मोलर है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस सब बढ़ती है, तो थर्ड आंसर इज करेक्ट। क्लियर, नेक्स्ट चलते हैं। इफ एन एक्वस इनिशियल सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट व्हिच फिनोमेना इज नॉट ऑब्जर्व्ड, नॉट ऑब्जर्व्ड पूछ रहा है, कौन सी प्रेक्षित नहीं होगी। देखिए कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन डिक्रीजेस, ये गलत हो रहा है, यहाँ पर क्या है, जैसे अपन NaCl का सॉल्यूशन लेंगे तो NaCl की कंसंट्रेशन डिक्रीज नहीं होगी, क्योंकि सोडियम जो होता है ना इसका हमारे पास जो पोटेंशियल होता है वो कम होता है वाटर से, जैसे हम दो प्रोडक्ट लेते हैं, एक एनोड पर एक कैथोड पर, एक रिडक्शन और एक ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पर जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है सोडियम का वो क्या होता है वाटर से कम होता है, इसलिए ये इलेक्ट्रोड पर जाके डिपॉजिट नहीं हो पाता है, तो पहला आपका गलत हो गया। क्लोरीन प्रोड्यूस होगी, ये सही है, क्योंकि क्लोरीन का और रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, ज्यादा होता है। फिर सॉल्यूशन बिकम बेसिक, ये सही है, क्योंकि देखो ये सोडियम जो होता है ना वो वाटर से रिएक्शन, वाटर का कौन सा पार्ट आता है, ओच माइनस, और ओच माइनस से रिएक्शन करके ये बना लेता है NaOH, NaOH के कारण बच्चों पीएच जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, नहीं डिक्रीज, और H2 इज प्रोड्यूस एट द कैथोड, ये करेक्ट है, क्योंकि वाटर का जब अपन रिडक्शन करेंगे ना, वाटर का H2 का रिडक्शन करेंगे, तो ये H2 और प्लस OH माइनस इसमें चला जाएगा। ठीक है, 2OH माइनस आ गया, H2 ये हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, ये OH Na प्लस से रिएक्शन करके NH बना लेगा, तो ये हमारा ठीक है, तो फर्स्ट जो है वो गलत ऑब्जर्व नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, द स्टैंडर्ड ई नॉट रिडक्शन वैल्यू ऑफ ए बी सी 0.08 0.254 0.50 रेस्पेक्टिवली द ऑर्डर ऑफ द रिड्यूसिंग पावर इज, रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर पूछा बच्चों, तो अपने पास क्या रिडक्शन पोटेंशियल है,
रिड्यूसिंग पावर जो होता है वो रिडक्शन पोटेंशियल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों। तो देखिए जिसका कम आएगा ना वो रिड्यूसिंग पावर ज्यादा आएगी। तो बी का देखिए माइनस में आ रहा है 0.254 आ रहा है, फिर 0.50 आ रहा है, तो सबसे कम बी, फिर सी, फिर ए। तो हमारा फोर्थ आंसर इज करेक्ट। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ एफिशिएंसी ऑफ द फॉलोइंग सेल इज 84%, 84 दक्षता दी है, डेल्टा एन दिया है, और यहाँ पर आपको देखना स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है मुझे, पोटेंशियल पोटेंशियल ठीक है, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछ रहा है। तो देखिए एफिशिएंसी ईटा जो होती है वो होता है डेल्टा जी नॉट अपॉन डेल्टा एच, और ये बच्चों आपके पास आ गया माइनस एन एफ ई नॉट अपॉन, और ये है माइनस डेल्टा एच। तो माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, एफिशिएंसी है तो ये 0.84 हो जाएगा, एन आपके पास कितना हो जाएगा 296,500, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको निकालना है, फाइंड आउट करना है, और डेल्टा एच आपके पास आ गया 285,000, ये नीचे ये आ जाएगा आपका प्लस 1.24 वोल्ट। फोर्थ आंसर इज करेक्ट, जो भी सॉल्व करोगे आप तो ये आएगा चौथा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 36। CLO3 CLO नेगेटिव, हाफ CL2 CL नेगेटिव। अब यहाँ पर E नोट फॉर कन्वर्जन ऑफ CLO2 CL नेगेटिव इज, मतलब ये जो कन्वर्जन बच्चों आपको दे रखा कितना 0.71 ठीक है, और ये कन्वर्जन आपके पास है 0.54 ठीक है। तो आपको पूछा है CLO2 CL नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है X, फाइंड द वैल्यू ऑफ X। तो देखिए डेल्टा जी का कॉन्सेप्ट लगाइए, डेल्टा जी देखिए ये डेल्टा जी ले लेते हैं और इसका डेल्टा जी और ये डेल्टा जी, तो दो ले लेते हैं डेल्टा जी वन प्लस डेल्टा जी टू। बस अब आप सोल्व कर लीजिए, यहाँ आ जाएगा बच्चों NFE, तो ये आ जाएगा ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे प्लस 5 माइनस 1, 6 का चेंज आ गया तो माइनस 6 FE नॉट सेल ले लेंगे ये, जिसको अपन एक्स मान ले या मतलब ई नोट मान लो। फिर आपके पास ये जो चेंज आ रहा है ये प्लस 1 हो गया बच्चों, प्लस 5 से ये 4 का चेंज आ गया 4 0.54, ये माइनस लगा देना। फिर आप चलिए नेक्स्ट, ये जो चेंज आ गया आपके पास 0.71 और चेंज ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया ये प्लस 1 माइनस 1, तो चेंज 2 का हो गया आपके पास। बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो आंसर आ जाएगा आपका 0.6, थर्ड आंसर इज करेक्ट। ठीक है बच्चों नेक्स्ट चले, थर्ड आंसर मिला लेना ये सब लोग। हाउ मच विल बी द रिडक्शन पोटेंशियल। अब रिडक्शन पोटेंशियल में आपको डायरेक्ट पीएच के अकॉर्डिंग जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है हाइड्रोजन गैस एच का सीधा फॉर्मूला आपको याद होगा, ई रिडक्शन याद आपको बोलो, ई रिडक्शन होता है माइनस 0.591 × pH, ये फॉर्मूला बच्चों pH देखिए पहले 0 रखोगे फिर 7 रखोगे तो आपका डिक्रीज हो जाएगा 7 के अकॉर्डिंग 0.57 0.41 वोल्ट हो जाएगा डिक्रीज बाय। फोर्थ इज करेक्ट, 37 का फोर्थ आ जाएगा आपका। नेक्स्ट चले 38, EMF ऑफ सेल इज AgCu, तो
तो देखिए बच्चों, ई सेल लगा दो, ई सेल निकाल लो, ई सी माइनस ई ए एनोड माइनस कैथोड कर लो। तो देखिए यहाँ पर ए जी, ए कॉपर से कॉपर प्लस टू जा रहा है, तो ये हो गया इसका एनोड हो गया है, ये एनोड बन गया बच्चों, और ये बन गया कैथोड। कैथोड में से एनोड घटा लीजिए तो ये आ जाएगा आपका। और ई सेल गिवन आपके पास, ई सेल आपके पास गिवन है 0.46, ये 0.46 गिवन है, ठीक है। और ई सी माइनस ये एनोड, ई सी निकालना है आपको, और ये एनोड आपके पास वैल्यू गिवन है कॉपर की। रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए अपने को, ठीक है, और ये दे रखा है रिडक्शन ही दे रखा है, ठीक है। तो ये 0.80 आ जाएगा, सेकेंड आंसर इज करेक्ट। The change in the Gibbs-free resistant decomposition L2-3500 delta G दे रखा है, potential difference needed electrolyte। तो देखो बच्चों, delta G में relation होता है minus NF E cell होता है, बस valence factor important है। valence factor बोलो कितना आएगा, यहाँ आएगा 4, ये important ध्यान रखना है। देखिए L2O3 है ना, यहाँ पर आपके पास ये एल्यूमिनियम जा रहा है, ये L2O3 है, तो चेंज इन वैलेंसी फैक्टर देखिए 2/3 के अकॉर्डिंग जाना है आपको, ठीक है। तो यहाँ चेंज आ गया आपके पास 2 के अकॉर्डिंग 6 और 2/3, तो ये आ गया 4। वैलेंसी फैक्टर जो है ना 4 आएगा, ये ध्यान रखना इम्पोर्टेंट। वैसे अब उसके बाद में तो दिक्कत नहीं, डेल्टा जी रख दो, 966 किलो जूल है, 1000 कर लो, और 496,500 अब ये वैल्यू आएगी माइनस में, लेकिन आपको कम से कम पूछा है तो ये वैल्यू 2.5 वोल्ट आ जाएगी, सॉल्व कर लोगे। इंक्रीजिंग आयनिक मोबिलिटी, आयनिक मोबिलिटी बच्चों जो क्या होता है, हाइड्रेटेड साइज के अकॉर्डिंग होता है। तो फ्लोराइड, फ्लोराइड का साइज जो है ना, देखिए मोबिलिटी जो होती है 1/4 हाइड्रेटेड साइज, हाइड्रेटेड साइज का बड़ा होगा उसकी मोबिलिटी कम होगी। तो आयोडीन का क्या होता है, मोबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, और फ्लोरीन का हाइड्रेशन ज्यादा, मोबिलिटी कम। सेकंड आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए K2SO4 वाटर, लेकिन देखिए हाईली कंसेंट्रेट बोल रहा है, तो हाईली कंसेंट्रेट देखिए पोटेशियम जो है वो तो आएगा नहीं, पोटेशियम की जगह तो बच्चों क्या आ जाएगा आपके पास, हाइड्रोजन गैस। रिडक्शन पोटेंशियल जो है ना वाटर का ज़्यादा होता है, रिडक्शन पोटेंशियल जो है ई रिडक्शन ऑफ H2O, ये ज़्यादा होता है, ई रिडक्शन के प्लस के से। तो प्रोडक्ट किसका होगा, हाइड्रोजन है देखिए। और फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो आएगा वो ई ऑक्सीडेशन जो बच्चों है वो हो जाएगा आपका S2A2 नेगेटिव, या मैं बोलूँ कि सल्फेट से, सल्फेट का ज्यादा वैसे बोल देता हूँ, SO4 2 नेगेटिव का ज्यादा होगा, इससे वाटर से। तो आंसर 4 आ जाएगा। एक्वो सॉल्यूशन इज फॉलोइंग द कॉम्प्लेक्स मैक्सिमम कंडक्टेंस, मैक्सिमम कंडक्टेंस का बच्चों मतलब है कि जिसमें आयन ज्यादा है, तो आप आयन के अकॉर्डिंग चलिए, या तो आपको एक ही आयन मिलेगा, इधर मिलेंगे 2 आयन, इधर मिलेंगे 3 और इधर मिलेंगे 4, तो आयन जो ज्यादा मिलेंगे वो 4th हो जाएगा आपका। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का क्वेश्चन, सैचुरेटेड सॉल्ट KNO3 यूज्ड टू मेक द सॉल्ट ब्रिज, तो ये बोला बिल्कुल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। सॉल्ट ब्रिज में अपन ऐसा सॉल्ट भरते हैं जिसमें केटायन आयन की जो वेलोसिटी क्या हो, इक्वल हो, तो वेलोसिटी ऑफ बोथ पोटेशियम आयन नियरली एट द सेम, तो थर्ड आंसर इज करेक्ट।
फाइंड द इनकरेक्ट फॉर्मूला डेनियल सेल में क्या होगा, E इक्वल टू ई नॉट सेल, ये करेक्ट है बच्चों, डेल्टा जी आर टी एल एन क्यू ये भी सही है, और के इक्विलिब्रियम 10 की पावर में आ जाता है ये भी ठीक है, इक्विलिब्रियम के ऊपर डेल्टा जी नॉट इक्वल टू जीरो ये गलत हो गया है, इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी कभी भी जीरो नहीं होता है, आप पढ़ते हो डेल्टा जी नॉट फॉर्मूला लेते हो माइनस एन एफ ई नॉट लेते हो, ई सेल जरूर जीरो होता है लेकिन डेल्टा जी नॉट जीरो नहीं होता है। कैलकुलेट लैम्डा एम इन्फिनिटी फॉर ऑक्सैलिक एसिड इज गिवन दैट, ठीक है ऑक्सैलिक एसिड का दे दिया और अब आपको पूछ रहा है सॉरी सोडियम ऑक्सैलेट का दे दिया और ऑक्सैलिक एसिड आपको फाइंड आउट करना है, तो ऑक्सैलिक एसिड बच्चों क्या होता है H2C2O4 होता है, बस इसका फाइंड आउट करना है, तो आपके पास देखिए एक तो है 700 और ये मोल में दे रखा है तो 700 तो एक ही हो जाएगा आपका, और ये बच्चों ग्राम इक्विवेलेंट ये आपके पास इक्विवेलेंट और मोल में कन्वर्ट कर लो तो ये 2 से मल्टीप्लाई करो वैलेंस फैक्टर 2 हो गया ना, तो प्लस 800 माइनस फिर आपके पास इक्विवेलेंट है फिर इसको मोल में कन्वर्ट कर लो फिर 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो गया 900, ठीक है तो ये हो गया आपका 600 आ जाएगा बच्चों, ठीक है 45 में देखिए थर्ड आंसर इज करेक्ट, अब ये बिल्कुल थियोरेटिकल क्वेश्चन है, लेड लैक्लासी सेल प्राइमरी सेल होता है आपको पता है, मर्करी सेल भी प्राइमरी होता है, निकल कैडमियम सेकेंडरी और लेड शो सेकेंडरी, फोर्थ आंसर इज करेक्ट। रस्टिंग ऑफ कैटालाइज विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, एच प्लस एसिडिक मीडियम जो होता है ना उससे रस्टिंग ज्यादा लगती है, तो आयरन एच प्लस जो होता है एसिडिक मीडियम क्या करता है कैटलिस्ट का काम करता है, तो ये याद करने वाला थ्योरेटिकल क्वेश्चन। फॉर ई नॉट फॉर द हाफ सेल एफ ई एफ ई प्लस टू सी यू सी यू प्लस टू रेस्पेक्टिवली, अब देखो जिसका एफ ई क्या है ज्यादा मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव है बच्चों तो वो सी यू प्लस टू को क्या करेगा ऑक्सीडाइज, तो सी यू प्लस टू ऑक्सीडाइज एफ ई, E नॉट फॉर हाफ सेल एफ ई एफ ई प्लस टू आपको वैल्यू देने की आपको अलग अलग माइनस 0.44 और 0.32 तो कॉपर प्लस टू ऑक्सीडाइज एफ ई, तो फर्स्ट आंसर इज करेक्ट बच्चों। अब देखिए कंसीडर द फॉलोइंग इक्वेशन, ए ए प्लस सी दे दिया आपको, एक्स दे दिया, के वन दे दिया, ठीक है अब आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वोल्ट पोटेंशियल तो वही रहेगा, स्टाइकियोमेट्री पे डिपेंड ही नहीं करता, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टाइकियोमेट्री पे डिपेंड नहीं करता बच्चों, तो देखिए ये दो आंसर तो ऐसे गलत हो गए हैं, यहाँ देखिए इन दोनों में से सही आ रहा है, अब इनमें से आप ये अपने चेक करना है, इसको 2 का स्क्वायर किया ना तो नया कॉन्स्टेंट आएगा पहले का स्क्वायर हो जाएगा, तो के टू इक्वल टू के वन का स्क्वायर होगा बच्चों, तो थर्ड आंसर इज करेक्ट। The number of electron delivered at the cathode during the electrolytic current of 1 ampere in the 60 second is, तो ये Q equal to निकाल लो बच्चों N E, ठीक है और I into T, number of electron find out कर लियो, तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है ये हो जाएगा आपका third answer is correct। How many elements are seventh period? Seventh period में कितने elements present हैं? तो देखिए इसमें दो तरीके रहते हैं seventh period में। भाई वैसे तो periodic table का देखो simple question अपन देखें तो 32 element होते हैं। आपको तो magic number याद है 2, 8, 8, 18, 18, 32। 32 वैसे याद कर सकते हो। आप number of orbital भी find out कर सकते हो। Number of orbital ये ओड नंबर में होता है ना तो 7 प्लस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर कर दीजिए
तो ये आपके ऑर्बिटल होंगे 8 + 2, तो 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों, 16 ऑर्बिटल है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे, डबल नंबर ऑफ एलिमेंट, 2 × 16, 32 हो जाएगा। ये एक तरीका है निकालने। फोर्थ आंसर, करेक्ट अरेंजमेंट द फॉलोइंग एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटेलिक करेक्टर। मेटेलिक करेक्टर देखो सोडियम में सबसे ज्यादा होता है, आपको पता है सोडियम मैग्नीशियम, सोडियम मैग्नीशियम के अकॉर्डिंग जाओ तो ये फॉस बेरिलियम, फिर बाद में आएगा फॉस्फोरस सबसे कम, तो सेकेंड आंसर इज करेक्ट। मेटेलिक करेक्टर आईपी के अकॉर्डिंग देख सकते हो आप, आईपी जिसका कम होगा वो मेटेलिक करेक्टर, ज्यादा होगा बच्चों मेटेलिक करेक्टर inversely proportional to IP भी देख सकते हो, आयनाइजेशन पोटेंशियल से भी चेक कर सकते हो। तो 52 का आपका आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट चले, विच करेक्ट ऑर्डर फॉर साइज, देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी में। कैटायन जो होता है वो सबसे छोटा होता है और न्यूट्रल सबसे बड़े, देखो कैटायन में, देखो इन दो कैटायन में आ रहे हैं। अब मैग्नीशियम क्या होता है बच्चों, एल्यूमिनियम से बड़ा होता है, ठीक है, तो मैग्नीशियम जो होता है एल्यूमिनियम से बड़ा होता है, सेकंड आंसर इज करेक्ट। मैक्सिमम वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन डी ब्लॉक एलिमेंट, मैक्सिमम वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पूछा है, वैलेंस सेल में कितने होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप कॉन्फिगरेशन लिखते हो ना भाई, N-1 d, और एन लिखते हो NS2, NS1 से 2 लिखते हो, और D में देखो क्या लिखते हो, कॉन्फ़िगरेशन आपका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, N-1 d 1 to 10, और NS1 से 2, 0, 1 से 2। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ये वैलेंस सेल होता है, ये पेनल्टीमेट सेल होता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दो आंसर हो जाएगा। सेकेंड पीरियड एलिमेंट शो द सम डिफरेंट प्रॉपर्टी फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव ग्रुप ड्यू टू, किस कारण से सेकेंड पीरियड वाले छोटा साइज होता है, हाई आईपी होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता, ऑल आर करेक्ट। तो सारे ही सही बच्चों, क्योंकि सेकेंड पीरियड में ये प्रॉपर्टी नहीं थी, थर्ड में जाके जाते हैं। नंबर ऑफ पेनल्टीमेट सेल इलेक्ट्रॉन इन डी ब्लॉक, अभी थोड़ी देर पहले बात की थी पेनल्टीमेट सेल का, देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी का क्या लिखा, N-1 d 1 से 10, और NS0 1 2। अब ये वैलेंस सेल है और ये N-1 पेनल्टीमेट सेल है, दिस इज पेनल्टीमेट सेल। तो अब यहाँ N-1 d में आप 1 to 10 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इसका मतलब बच्चों S और P ऑलरेडी फिल्ड हो गए, 8 ही आ गए, 9 से 18 की लिमिट हो गई, तो ये सेकेंड आंसर इज करेक्ट। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल ऑफ एस पी डी एफ एलिमेंट आर, तो अब ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो गया। आउटर मोस्ट एस में कितने होते हैं, 2 होते हैं, पी में कितने होते हैं, 8 होते हैं, डी में भी 2 होते हैं, एफ में भी 2 होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछ रहा, आउटर मोस्ट बाहर वाला सबका, तो फोर्थ आंसर इज करेक्ट। गिव ब्लॉक पीरियड एंड ग्रुप नंबर फॉलोइंग, देखिए बच्चों ये F5 ऐसा इस तरह चल गया, बाहर वाला वैलेंस सेल जो होता है ना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो पीरियड को इंडिकेट, फिफ्थ पीरियड हो गया है, और ग्रुप निकालना डी ब्लॉक में, तो डी इलेक्ट्रॉन और एस इलेक्ट्रॉन दोनों जोड़ दो, तो थर्ड ग्रुप हो गया और डी ब्लॉक हो गया बच्चों, डी में देखो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें डी में जा रहा है आपका। Find position daughter nucleus in the periodic table which is obtained by 2 alpha 1 beta particle from the polonium. देखिए polonium 2 alpha निकाल रहे हो आप, 1 beta particle निकाल रहे हो, तो उसके according आप 2 alpha निकाल रहे हो, तो 2 alpha का मतलब बच्चों 2HC4 होता है, helium का nucleus होता है, और 1 beta निकाल रहे हो तो 1 electron, इसका मतलब देखो 2 plus निकालोगे ना तो 2 इसमें से कम होंगे आपके पास, और 2 कम करने का मतलब 4 कम कर दिया आपने, 4 कम करने का मतलब आपके पास 1, फिर बीटा भी निकाल दिया, 1 बीटा निकाल दिया तो 1 बढ़ा दिया आपने,
तो आपके पास 81 जेड पे पहुंच गया, 81। अब 81 का पोजीशन आप कैसे बताएं आपको, 81 के अंदर आप एक 32 ऐड कर लीजिए और नेक्स्ट इनर्ट गैस जो आ रही है आपके पास 86, इसको माइनस कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों 18 प्लस 81 माइनस 86 ये हो जाएगा आपका 13, 13 ग्रुप हो जाएगा बच्चों, 13 ग्रुप हो गया। ठीक है, और पीरियड आपका 6 हो गया, 13 ग्रुप पीरियड 6, और ये एलिमेंट आपका हो गया है पी ब्लॉक का, तो 59 का आंसर पहला होगा बच्चों। क्लियर होगी ना बात, ये भी 81 में आपको क्या करना है, 81 प्लस इसमें आप 18 ऐड करिए, और यदि 18 नहीं आता है तो 32 ऐड करना पड़ता है कहीं से, और ये 86 घटा दीजिए तो इसके अकॉर्डिंग जाओगे तो ये 13 आ जाएगा। ये ग्रुप नंबर निकालने का तरीका होता है, वैसे पीरियड टेबल याद है तो आपको वैसे ही कोई दिक्कत नहीं है। अब कैलकुलेट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पूछा आपको, जेड इफेक्टिव पूछा बच्चों, जेड इफेक्टिव जो होता है वो जेड माइनस सिग्मा होता है। अब जेड आपके पास हीलियम का 2 होता है, सिग्मा आपको पता है इसका, इसका इलेक्ट्रॉन 1s में होता है ना, तो 1s के लिए कितनी वैल्यू होती है, 0.30 होती है, तो ये 0.30 1.70 होगा बच्चों, तो पहला आंसर हो जाएगा। ये हीलियम में होता है, बाकी में तो क्या है वैल्यू होती है 0.35 आती है, इसमें ध्यान रखना है। मैक्सिमम साइज ऑफ हाइड्रोजन का साइज सबसे बड़ा किसमें है, देखिए हाइड्राइड में जो होता है ना, हाइड्राइड में एच माइनस, वो एच से बड़ा होता है, ये साइज का ऑर्डर। देखो इसमें हाइड्राइड आ गया आपके पास, ये माइनस में जा रहा है बच्चों, ये प्लस में जा रहा है, ये प्लस में जा रहा है, ये प्लस में जा रहा है, तो फोर्थ आंसर करेक्ट, हाइड्राइड में साइज। साइज रिमेन ऑलमोस्ट सेम इन विच पेयर, किसमें साइज लगभग बराबर रहता है, सीजियम फ्रेंशियम का साइज ऑलमोस्ट सेम है क्योंकि आपके पास कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा, एल्यूमिनियम गैलियम यहाँ पर डी एलिमेंट डी डी ट्रांजिशन बोल सकते हो आप, डी ट्रांजिशन आ गया, और जर्कोनियम हैफेनियम का साइज ऑलमोस्ट सेम होता है, यहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा, और ऑल आर करेक्ट, तो फोर्थ आपका आंसर हो जाएगा। मैक्स मिनिमम साइज पूछ रहा बच्चों, मैक्स मिनिमम साइज आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए प्लस 6, प्लस 7 और ये हो गया प्लस 6, K2MnO4 है ये, प्लस तो प्लस 7 है, प्लस 2 ये MnO2 है बच्चों, MnO2, तो यहाँ पर आपके पास प्लस 4 हो जाएगा, ये प्लस 2 हो गया आपका, ये प्लस 4 आ जाएगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट में देखो प्लस 7 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 2, तो सबसे छोटा साइज आपका ये साइज का साइज का ऑर्डर, तो फर्स्ट आंसर इज करेक्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग देखिए। कंसीडर द फॉलोइंग पीरियड ग्रुप नंबर, देखिए 15 आ गया तो आपके पास पता चल गया कि वैलेंसी कितनी होगी, 3 होगी, नाइट्रोजन फैमिली है, फिर आपके पास पीरियड आ रहा है 3rd और ग्रुप नंबर है 2nd, तो वैलेंसी कितनी होगी, 2 होगी बच्चों। जैसे मान लो ये मेटल प्लस 2 ले लो और ये नॉन मेटल है, ये आपके जो दिया है क्यू दिया है, क्यू क्यू पर प्लस 2 है और पी के ऊपर माइनस 3 है, तो ये क्रॉस करके फॉर्मूला बना लो आप, तो ये आ जाएगा Q2 और P3,
Q3 और P2, ये देखो P2 Q3 थर्ड आंसर इज करेक्ट। द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कैन बी अरेंज्ड। इलेक्ट्रॉन बंधुता का सही क्रम पूछा है। इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज्यादा आपको पता क्लोरीन की होती है, तो क्लोरीन के अकॉर्डिंग जाइए। क्लोरीन के बाद बच्चों देखो ये आ रहा है नाइट्रोजन की कम होगी, क्योंकि नाइट्रोजन में तो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल स्टेबिलिटी आएगी, तो सेकंड आंसर इज करेक्ट। 65 में सेकंड आ जाएगा आपको। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी इज, सेकंड आईपी का आपको ऑर्डर पूछा है, द्वितीय आयनन व्यूह का सही क्रम क्या है। देखिए कॉन्फ़िगरेशन रखे अपन, नियोन जो है इसका कॉन्फ़िगरेशन है P6, फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन है P5, ऑक्सीजन है P4, नाइट्रोजन है P3। अब आप एक एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे पहले, तो ये बच्चों जाएगा P5 में, ये जाएगा P4 में, ये P3 में, ये P2 में जाएगा। अब आपको एक एक जब फर्स्ट आइनस में मतलब आपने एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, अब आपके पास यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो सबसे ज्यादा आपके पास है P3, P3 कॉन्फ़िगरेशन मतलब ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन वाला सीक्वेंस आपके पास आ रहा है, ऑक्सीजन फ्लोरीन नाइट्रोजन, तो बी ठीक लिख रहा है आपका, बी ऑर्डर वाला ठीक है, और सी भी देख सकते हो आप, सी वाला जो सीक्वेंस आ रहा है, सी वाला सीक्वेंस आ रहा है ना, ये वाला नियोन ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सही, नियोन ऑक्सीजन एंड नियोन ऑक्सीजन फ्लोरीन नाइट्रोजन, और यहाँ ऑक्सीजन फ्लोरीन नाइट्रोजन नियोन सही है, तो ये भी सही आ रहा है, ये भी सही आ रहा है, बी सी दो करेक्ट आंसर आपके पास आ गया। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आपको चेक करना पड़ेगा, इसकी हाफ फिल्ड होने के कारण इसकी ज्यादा आ जाएगी इसमें, तो ऑक्सीजन इसका मतलब P3 ऑक्सीजन का है। विच इज करेक्ट ऑर्डर, एसिडिक करेक्ट सही ऑर्डर है, साइज के अकॉर्डिंग हाइड्रो एसिड में इंक्रीजिंग रहता है, रिड्यूसिंग करेक्टर ये भी सही ऑर्डर आ रहा है, बॉन्ड एनर्जी F2Cl2Br2I2 ये गलत ऑर्डर है, sp इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये भी ठीक है बच्चों, ABD इज करेक्ट आंसर, sp मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है ना Cl डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस करेक्टर, परसेंटेज एस करेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी विद्युत ऋणता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो चौथा आंसर आपका ठीक हो गया। विच इज मैक्सिमम साइज ऑफ मैंगनीज, अब ये तो आप बताए दोगे अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन, ये +7 है, +6 है, +4 है, ये +2 है, तो यहाँ सबसे बड़ा जो साइज पूछ रहा है +2 के अकॉर्डिंग फोर्थ हो जाएगा। विच इज इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी का आपका गलत ऑर्डर कौन सा ये पूछ रहा है। देखिए ओ प्लस ओ ओ ये सही जा रहा है, बोरोन एल्यूमिनियम थेलियम गैलियम ये गड़बड़ ऑर्डर आ रहा है आपका, एल्यूमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोर सल्फर ये ठीक आ रहा है आपका ऑर्डर, गलत ऑर्डर पूछे ना, एल्यूमिनियम की गैलियम, गैलियम का आईपी ज्यादा होता है, गैलियम का आईपी सही है, ये तो गैलियम का ज्यादा होता है एल्यूमिनियम से, क्योंकि ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन के कारण बोरोन का आईपी सबसे ज्यादा होता है, फिर थेलियम का होता है, ये करेक्ट ऑर्डर है बच्चों, ये भी सही आ रहा है। अब सिलिकन जर्मेनियम लैड कार्बन सिलिकन जर्मेनियम पीबी और टिन ये भी ठीक आ रहा है ऑर्डर, और एल्यूमिनियम सिलिकन फॉस्फोरस
ये गलत आ रहा फॉस्फोरस का, यहाँ ज़्यादा आएगा आईपी, तो ये इनकरेक्ट हो गया। हाफ फील्ड होता है फॉस्फोरस में। सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इन्वॉल्व द हाइड्रेशन, जैसे मान लो पीओपी होता है ना, उसमें पानी डालते हैं अपन, तो वो सेट होता है। तो ये सेटिंग ऑफ प्लास्टर जो पेरिस इन्वॉल्व क्या करता है, जलयोजन शामिल करता है। तो ये याद करने वाला है, इस लोग का क्वेश्चन है आपका। द पेयर ऑफ कंपाउंड विच नॉट एग्जिस्ट टूगेदर एक्वस सोल्यूशन, कौन सा एक्वस सोल्यूशन में एक साथ नहीं रह सकता, ये पूछ रहा है। तो देखिए बच्चों, एक बेस होता है, एक एसिड होता है, वो नहीं रहेगा। देखिए यहाँ पर चौथा जो है ये एसिड है, ये बेस है, ये साथ नहीं रहेंगे। थर्ड में देखिए, फिर ये बेस है, फिर आपके पास ये, फिर एसिडिक सॉल्ट हो गया, ये भी नहीं है। अब देखिए ये वाला एसिडिक है और ये सॉल्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। फिर देखिए ये एसिडिक सॉल्ट है, ये भी एसिडिक है, ये रह जाएंगे। तो एक एसिड बेस साथ में नहीं रहेंगे, तो दूसरा आंसर हो गया, थर्ड एंड फोर्थ इज करेक्ट। देखिए बच्चों नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट आर रॉ मटेरियल यूज्ड इन द सॉल्वेंट प्रोसेस, सॉल्वेंट प्रोसेस में क्या कच्ची सामग्री या रॉ प्रोसेस मतलब मटेरियल तौर पर काम में लिए जाते हैं। तो देखिए NaCl, अमोनिया, कैल्शियम कार्बोनेट, ये रॉ मटेरियल होते हैं। याद करने वाला क्वेश्चन है ये, आप याद करिए इसको, तो चौथा आंसर आ जाएगा। थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ रहा है। तो बच्चों देखो, कार्बोनेटो की जो थर्मल स्टेबिलिटी है, अपन आईपीसी देखते हैं, थर्मल स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनिक पोटेंशियल। आयनिक पोटेंशियल जिसका कम होगा, थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो थर्मल स्टेबिलिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर देखो, बेरिलियम, मैग्नीशियम, बेरियम, तो ये फर्स्ट करेक्ट आ रहा आपका। आयनिक पोटेंशियल चार्ज और साइज का रेशियो होता है, तो नीचे की तरफ जाओगे तो आयनिक पोटेंशियल आपका क्या होगा, घटेगा, तो थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो 73 में आपका आंसर बच्चों क्या आ जाएगा, पहला। नेक्स्ट चले, द मेन प्रोडक्ट ऑब्टेंड व्हेन Cl2 इज हीटेड विद कंसंट्रेटेड एनोड सॉल्यूशन। देखिए इसमें दो क्वेश्चन आते हैं, एक तो ठंडे मतलब डाइल्यूट और कोल्ड, और एक आता है हॉट एंड कंसंट्रेटेड। तो इसमें ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में क्लोरीन जाता है +5 तक, वैसे 7 होती है, 7 के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो मैक्सिमम 7 तक जा सकता है, 5 तक जाएगा और एक मिनिमम जाएगा माइनस। तो ये ध्यान रखनी है, Cl2 की रिएक्शन करवा दें NaOH के साथ, ये है hot and concentrated। तो बच्चों इसमें क्या आ जाएगा, NaCl आ जाएगा प्लस NaClO3। ये डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन का एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपके पास, तो सेकंड आंसर इज करेक्ट। NaNO2 ऑन हीटिंग गिव्स, NaNO2 बच्चों आयनिक नाइट्रेट है, और आयनिक क्या करता है, नाइट्राइट में जाता है। हाँ मतलब नाइट्रेट सारे ओल्ड डिकम्पोजिशन शो करते हैं, लेकिन कहने का मतलब NaNO2 जो है ना, वो O2 प्लस NaNO2 में चला जाएगा। तो फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। अब वैसे ही एस ब्लॉक का क्वेश्चन है, और वैसे जाओ तो केमिकल बॉन्डिंग में भी आ जाता है NaNO2 और हीटिंग गिव्स O2 प्लस NaNO2। नेक्स्ट चलते हैं, सोडियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग गिव्स, सोडियम कार्बोनेट को बच्चों हीट करते हैं तो वो आयनिक कार्बोनेट है, Na2CO3 को हीट करेंगे ना, तो कोई भी डिकम्पोजिशन नहीं होगा, क्योंकि इसकी नेचर कैसी होती है, आयनिक होती है, कोवेलेंट होते हैं ना, वही डिकम्पोज होते हैं, तो आयनिक वाले नहीं पाएंगे, तो नन ऑफ दिस आएगा। लिथियम इज द ओनली एल्कली मेटल विच इज नॉट प्लेस इन केरोसिन बट इज रैप्ड इन पैराफिन वैक्स बिकॉज, यानी लिथियम एकमात्र क्षारीय धातु जो केरोसिन में देखी जाती है,
उसको पैराफिन वैक्स में लपेट के पैराफिन मोम में लपेटी जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी, देखो लिथियम सबसे हल्की रहती है, उसकी डेंसिटी सबसे कम होती है, केरोसिन के ऊपर तैरने लग जाती है। तो इट फ्लोट टू द सरफेस केरोसिन बिकॉज ऑफ द लो डेंसिटी। सेकेंड इज करेक्ट। करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस, देखो बच्चों ये गलत हो गया क्योंकि केटाइन जो है जैसे प्लस बढ़ता जाएगा साइज छोटा होता जाएगा, ये भी गलत हो गया। के प्लस सी एल माइनस, ब्रोमीन बड़ा होता है क्लोरीन से, सेकंड इज करेक्ट। विच ऑफ फॉलोइंग नॉट एन एग्जांपल ऑफ डोमिनेट राइट, कौन से डोमिनेट का ट्राइड का एग्जांपल नहीं है? तो देखिए इसमें अपन ये कहते हैं कि जिनमें एटॉमिक नंबर का डिफरेंस आपके पास ऐसे सक्सेसिव में सेम आ जाता है, जैसे यहाँ 8 आ गया यहाँ 8 आ गया तो वो सेम डोमिनेट ट्राइड हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ आपके पास 8 आ गया यहाँ 8 आ गया तो ट्राइड हो जाएगा, यहाँ आपके पास जैसे क्लोरिन ब्रोमिन है तो ये 18 आ जाएगा, यहाँ पर ये भी 18 आ जाएगा, और यहाँ देखिए बच्चों यहाँ डिफरेंस आ रहा है 32 का, जिंक कैडमियम मरकरी में यहाँ ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा फोर्थ, ठीक है। 79 नेक्स्ट चलते हैं। द कंपाउंड फॉर्म ऑन द हीटिंग सोडियम मेटल एक्सिस ऑक्सीजन, ज्यादा एक्सिस में ऑक्सीजन करो हीट करोगे तो सोडियम परोक्साइड बनेगा, पहले सोडियम ऑक्साइड फिर सोडियम ऑक्साइड फर्दर कन्वर्ट होगा सोडियम परोक्साइड, तो थर्ड आंसर इज करेक्ट। विच ऑफ फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट इम्पार्ट कलर टू द फ्लेम, यानी कौन सा जो है जो ज्वाला को रंग प्रदान नहीं देता, तो ज्वाला प्रश्न कौन सा नहीं देता, ये है तो ज्वाला प्रश्न बच्चों देखो बेरिलियम सॉरी मैग्नीशियम नहीं देता कभी भी, क्योंकि इसका आईपी क्या होता है कम नहीं होता ज्यादा होता है, इसका साइज छोटा होने के कारण, तो ये मैग्नीशियम आ जाएगा फर्स्ट। में जाए ड्यू टू विच इम्प्योरिटीज द नॉर्मल सॉल्ट बिकम मॉइस्चर अब्सॉर्प्टिव, देखिए आपको पता है कि जो सॉल्ट होता है ना उसमें आपके पास सेकेंड ए ग्रुप वाले जो है उनके सॉल्ट की इम्प्योरिटी आ जाती है, क्लोराइडों की इम्प्योरिटी होती है। देखिए कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड की इम्प्योरिटी के कारण जो सॉल्ट होता है ना NaCl वो क्या करता है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, बड़ा फेमस क्वेश्चन है ये, तो सेकेंड आंसर इज करेक्ट। द अल्कली मेटल डिजोल्व इन लिक्विड अमोनिया, इट इज फाउंड दैट, देखो लिक्विड अमोनिया जब डिजोल्व करते हैं अपन तो वहां पर क्या है कि एक तो अमोनेटेड इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और अमोनेटेड केटायन आ जाते हैं और कलर जो होता है वो ब्लू हो जाता है सॉल्यूशन का। द डाइल्यूट सॉल्यूशन आर ब्लू बट द कलर चेंज टू ब्रॉन्ज विद इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन, बढ़ाओगे तो ब्रॉन्ज कलर होगा। द ब्लू कलर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स, ये भी सही बात है, ब्लू कलर सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन के कारण होता है और ब्लू सॉल्यूशन पैरामैग्नेटिक नेचर का भी होता है, अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है, और अपन बाद में जो ब्रॉन्ज कलर आएगा डायमैग्नेटिक, यानी जैसे क्लंपिंग हो जाएगी ना, या मैं कहूँ कि सारे गुच्छे बंच लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएंगे तो वो डायमैग्नेटिक भी हो जाता है सॉल्यूशन। तो ऑल द फैक्ट आर गिवन अबव आर करेक्ट, सारी बातें सही है क्योंकि अमोनिया को अपन एल्कली मेटल डिसॉल्व करते हैं अमोनेटेड सॉल्यूशन बन जाता है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों फोर्थ। नेक्स्ट चलते हैं। डेल्टा एक्स ए माइनस एक्स बी, व्हाट इज द परसेंट आयनिक करेक्टर फॉर कोवेलेंट मॉलिक्यूल ए बी, तो परसेंटेज आयनिक करेक्टर अपने को निकालना है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बच्चों डिफरेंस आपको यहां पर दे रखा है, तो डिफरेंस के लिए एक फॉर्मूला आपको याद है 16xA - xB, हेनिस्मिथ का फॉर्मूला याद होगा 16xA - xB + 3.5, ये इसको बोलते हैं हेनिस्मिथ फॉर्मूला, याद रखना हेनिस्मिथ
मेक फोर होगा, बस ये आपका परसेंटेज आपके हो जाएंगे आयनिक करेक्टर। इससे निकाल लीजिए तो ये आपके पास आ जाएंगे, डिफरेंस आपको दे रखा है दो का, इधर आपके पास है तो ये 46% आ जाएंगे जो पहला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम आते 85 में, विच ऑफ फॉलोइंग करेक्ट पूछ रहा है, ये आयनिक साइज ये आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 18 आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। देखो बच्चों साइज जो होता है ना साइज वो Z इफेक्टिव के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है और ये होता है Z अपॉन P। जैसे जैसे Z बढ़ेगा साइज कम होगा, तो ये करेक्ट ऑर्डर नहीं आ रहा आपका। फिर लेकिन इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ये भी गलत आ रहा है, क्योंकि सीजियम का तो हाइड्रेशन ज्यादा होता है, सीजियम में क्या सोडियम का हाइड्रेशन ज्यादा इसका होता है, इसकी कम होगी कंडक्टेंस, इसकी सीजियम की ज्यादा है। हाइड्रेटेड साइज एल्यूमिनियम मैग्नीशियम सोडियम ये ठीक है, एल्यूमिनियम का ज्यादा है ना मैग्नीशियम, तो थर्ड करेक्ट ऑर्डर आ रहा है बच्चों। आयनिक मोबिलिटी अभी थोड़ी देर पहले भी अपन देख लिया था, ये चीज आयनेट की ज्यादा होगी, फ्लोराइड क्लोराइड का तो हाइड्रेशन मोर होता है ज्यादा, नहीं कारण मोबिलिटी कम आएगी। नेक्स्ट चले द ऑर्डर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम, तो आपको पता है कि ऑक्सीजन की तो बहुत कम हो जाती है, सल्फर की सबसे ज्यादा, सल्फर सेलेनियम ऑक्सीजन। थर्ड आंसर इज करेक्ट 86 में। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इज, देखिए बच्चों आयनाइजेशन एनर्जी का करेक्ट ऑर्डर पूछ रहा है, तो देखिए फ्लोरीन और क्लोरीन की तरफ जाएंगे पर, तो आप वैसे लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इंक्रीज, नीचे जाओगे तो डिक्रीज होने चालू हो जाएगी, इसका मतलब फ्लोरीन की ज़्यादा होगी क्लोरीन से, सबसे पहले तो ये होगा फ्लोरीन की क्लोरीन से ज़्यादा होगी। फिर आपके पास क्लोराइड और फ्लोराइड में फिर चेक करते हैं जेड, जेड इफेक्टिव जिसका ज़्यादा होगा, जैसे आई पी ज़्यादा होगा, तो फ्लोरीन क्लोरीन फिर क्लोराइड फ्लोराइड, तो 87 का थर्ड आंसर इज करेक्ट। समझ गए भाई, इसमें जेड इफेक्टिव बच्चों ज्यादा हो जाएगा इसका, ठीक है, इससे जेड इफेक्टिव मोर है तो जेड भी ज्यादा होगा तो आई पी ज्यादा होगा, मोर आई पी, इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा जेड इफेक्टिव भी ज्यादा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ द एक्स वुड बी इक्वल टू, इलेक्ट्रॉन गहन एंथैल्पी किसके बराबर होगी ये पूछा है, एक्स की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखिए एक्स जो होता है मेरे पास, एक्स में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद में ये कन्वर्ट हो गया एक्स माइनस में, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो होगी एक्स की, और आई पी यदि हम इसका उल्टा ले लें तो ये आई पी हो गया, यानी आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास एक्स माइनस की हो गई, तो सेकेंड आंसर इज करेक्ट 88 में, तो सेकेंड हो जाएगा। Which of following is metalloid? Metalloid कौन सा है? तो आर्सेनिक हमारे पास क्या है? Metalloid. ये metalloid है तो आपको याद करना पड़ेगा, बताया भी ट्रिक भी सब पीरियड टेबल में। In the long form periodic table, number of period indicate. Period क्या होता है? Principal quantum number है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से पता चल जाता है कि कौन से आवर्त का एलिमेंट है। थर्ड हो जाएगा। विच ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट फॉर्म हाइड्राइड विद मेटल क्लोराइड एंड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो बच्चों ये पूछ रहा है कि कौन सी मेटल का हैलाइड जो है वो आपके पास बनाएगा, तो बेरिलियम का क्लोराइड ले लीजिए BeCl2 बच्चों LiAlH4, ठीक है, ये बेरिलियम का हाइड्राइड बना रहे, तो बेरिलियम का क्लोराइड है ना,
वो रिएक्शन करके एक प्रिपरेशन मेथड है हाइड्राइड की, एस ब्लॉक का क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं, कास्टिक सोडा सॉल्यूशन इन एब्जॉर्बेंट फॉर्म। कास्टिक सोडा होता है बच्चों NaOH, NaOH ये होता है बेसिक। अब जो एसिड होगा उसके साथ रिएक्शन कर लेगा, देखिए ये CO2 क्या होता है आपका एसिडिक होता है, इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। अमोनिया ये बेसिक हो गया, CO न्यूट्रल हो गया, ये न्यूट्रल हो गया, तो एसिडिक होने के कारण CO2 आंसर आपका करेक्ट होगा। En of element A E1 और IP है E2, ठीक है। तो देखिए मूलिकन के अकॉर्डिंग अपन बात करें, इलेक्ट्रोनेगेटिव रिलेशन दिया था पॉलिंग और मूलिकन का आपने पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी En of element A is E1, ठीक है, और IP है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछ रहे, ठीक है। तो हमारे पास देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है ना वो है ई ए प्लस आई पी अपॉन टू, ये ई एन के इक्वल होता है। अब ई एन आपको दे दी कितनी, ई वन, ये है ई वन, और ई ए आपके पास क्या बच्चों, आई पी दे दिया आपको, ई ए निकालना है और IP है E2 upon 2, तो ये जगह 2E1 minus E2, first answer is correct। Next चले, screening effect cannot be observed in, screening और shielding effect किसमें observe नहीं होगा। तो बच्चों देखो screening effect तो more than one electron में होता है, ये तो सब में देखो हाइड्रोजन हीलियम एक एक मतलब सारे मोनो इलेक्ट्रॉनिक हो गए, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, जिनमें मोर देन वन इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं में स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है ऑब्जर्व होता है। तो इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीसीज होनी चाहिए, तो किसी में भी ऑब्जर्व नहीं होगा। विच प्रॉपर्टी ऑफ एल्कली अर्थ मेटल इंक्रीजेस एज एटोमिक नंबर इंक्रीजेस, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी जो इंक्रीज होगी, आयनाइज पोटेंशियल नहीं, सोलिबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड, सोलिबिलिटी ऑफ आयोडाइड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सोलिबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड इंक्रीज हो जाएगी। तो 95 का बच्चों हो जाएगा हमारा आंसर सेकेंड इज करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं, AgF, AgCl, AgBr, AgA इन द ऑर्डर ऑफ, देखिए ये ही लैटिस एनर्जी का ऑर्डर है। लैटिस एनर्जी जो है इस पर डिपेंड करती है, लैटिस एनर्जी वन अपॉन साइज, देखिए साइज बढ़ता जाएगा लैटिस एनर्जी कम होती जाएगी, तो लैटिस एनर्जी करेक्ट ऑर्डर है। लैटिस एनर्जी मेजर द मेल्टिंग पॉइंट, तो वही मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर हो गया। और वाटर सॉलिबिलिटी की बात करें तो ये AgF जो आयनिक होता है, ये आयनिक होता है और रिमेनिंग आपके पास कोवेलेंट होते हैं, तो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर भी करेक्ट आ रहा है, ऑल ऑफ दिस करेक्ट। IP1, IP2, IP3, IP4 फॉर एलिमेंट रेस्पेक्टिवली 7.5, 20, ठीक है। देखिए अब जहां पर सक्सेसिव IP जैसे आपके पास आ रहा है, सक्सेसिव IP की वैल्यू जैसे I1, I2, I3, I4, ये दो वैल्यू आ रही 1, 2, 3, 4। अब आपके पास देखिए ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, लेकिन एकदम से इंक्रीजिंग ऑर्डर कहाँ ज़्यादा आ रहा है, देखिए यहाँ आ रहा है, तो आपके पास वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन बच्चों कितने हो गए 3। अब चेक करिए, ये है 3s1, ये 1 हो गया, ये हो गए 6, ये गलत हो गया, और यहाँ आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 3 हो गए इसमें, और ये हुए 2, तो सेकेंड आंसर इज करेक्ट। सक्सेसिव आईपी वैल्यू से अपन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैन बी डिटरमाइंड, हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या होगा, सेकेंड आ जाएगा बच्चों, आईपी का एप्लीकेशन हो गया एक तरह से। एम एम प्लस
डेल्टा इज 100 आ गया हमारे पास, और एन से फिर हमने प्लस टू टू इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, 250 आ गया। देखो बच्चों हमारे पास क्या होता है, दो स्टेप होते हैं। एन से पहले आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, प्लस वन में गया, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला। तो देखिए पहले आपके पास क्या थी 100, और दूसरी ये कितनी आ रही है, ये डायरेक्ट निकाला आपने, तो ये कितनी है 250 है बच्चों। तो ये वाले आपके पास कितनी एनर्जी होगी, 150 होगी। तो यानी आयनाइजेशन I2 ऑफ M 250। हाँ सही है, देखो आप इसको ये बोल सकते हो I1 ऑफ M 100 ठीक है, ये तो सही है, उधर इनकरेक्ट पूछ रहा बच्चों। I1 ऑफ M, सो आ रहा पहला फर्स्ट IP, ये फर्स्ट IP हो गया, IP1 बोल सकते हैं। फिर I1 ऑफ M प्लस इज 150, ये भी सही है। I2 सेकेंड I2 क्या है 250, ये गलत है, सेकेंड नहीं है ये, तो देखो डायरेक्ट M से आपने ये सीधा इलेक्ट्रॉन निकाला है, और I2 ऑफ M 150 इसका सेकेंड हो सकता है, सही है। देखो फर्स्ट आई पी इसका 100 है M का, और सेकेंड 150 हो गया, तो इनकरेक्ट बच्चों थर्ड हो गया आपका, थर्ड 98 का थर्ड इनकरेक्ट है। Which of following in order is incorrect? Ionic character. देखिए आपके पास यहाँ कैटायन प्लस थ्री में गया, प्लस टू में गया, प्लस वन में। अब जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहे हैं, तो ये यही इनकरेक्ट ऑर्डर है आपका। बाकी भी चेक करो, पोलराइजिबिलिटी छोटा कैटायन बिगर एनायन सही ऑर्डर आ रहा है। पोलराइजिंग पावर एल्यूमिनियम में ज़्यादा होगा, मैग्नीशियम सोडियम चार्ज ज़्यादा होगा, जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा। कोवेलेंट करेक्टर वो इच मोल कैटाइन बिगर एनाइन, तो एनाइन आयन बड़ा है तो फ्लोराइड छोटा है, तो फर्स्ट ठीक है आपका आंसर। आयन्स के रूल के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हो बच्चों आप डायरेक्ट। अब देखिए अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग अरेंज करो। हाइड्रो है हाइड्रो एसिड, अब आपको पता है HF जो होता है ना उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, H बॉन्डिंग। बॉइलिंग पॉइंट वैसे तो क्या करता है, मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एबनॉर्मली हाई होगा बॉइलिंग पॉइंट, तो सबसे ज़्यादा HF फिर HI फिर HBr, तो फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। तो देखिए स्टूडेंट हमने पीरियोडिक टेबल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखो मैंने काफ़ी आपको हिंट दिए, थोड़े से सोल्यूशन जो है आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है, बाकी पीरियोडिक टेबल में कॉन्सेप्चुअल है, बिल्कुल याद करने वाला एनसीईआरटी को हमने मैक्सिमम कवर किया है, तो आप अच्छे से करिए और बहुत बढ़िया स्कोर किया हमने, पेपर काफ़ी ईजी है, स्कोरिंग भी है, और एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं दिया गया है। ओके स्टूडेंट थैंक यू।